चलो गुड इवनिंग ऑल। पाऊस सुरू आहे, विजाई सुरू आहेत औरंगाबादमध्ये, त्यामुळे आणि फ्रायडे असल्यामुळे लाईट जाण्याचेही चान्सेस आहेत, तर आपण लवकर लवकर स्टार्ट करू। मला फक्त एवढं सांगा की ऑडिओ आणि व्हिडिओ क्लिअर आहेत का? ओके चलो। काल आपण जिथं थांबलो होतो ते थोडस एक ब्रीफली रिवाइज करूयात। सो काल आपण नॉमेनक्लेचर बघितलं होतं आणि त्यातला एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन की जो एनसीईआरटी दिलेला नाहीये। ओके काल आपण बघितलं होतं नॉमेनक्लेचर, एक वेळेला रूल्स तुमच्या बुकवर अंडरलाईन करून हायलाईट करून बघित जिथं आहे ते एक वेळेला बघून घ्या। ऑल दी बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लॅटिनाइज्ड। ओके मी काल हा एमसीक्यू फिरून टाकला होता, आठवत असेल बऱ्याच जणांना, चुकला बऱ्याच जणांचा चुकला येतो एमसीक्यू, तर हा एमसीक्यू मी फिरून टाकला होता। लाईन काय आहे, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लॅटिन अँड रिटन इन इटॅलिक्स। मी काय केलं होतं, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन इटॅलिक्स अँड रिटन इन लॅटिन असं ती लाईन फिरवली होती। त्यामुळे तुमच्या रिडिंगला किंवा तुम्ही जे अनालाइज करतात या लँग्वेजला किती इम्पॉर्टन्स आहे, इथल्या प्रत्येक वाक्याला किती इम्पॉर्टन्स आहे, थोडा शब्द इकडे तिकडे झाला तर आपल्याला वाटतं तसंच जर रिडिंग क्वालिटी व्यवस्थित नसेल तर। तर बघा, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लॅटिन अँड रिटन इन इटॅलिक्स, दे आर लॅटिनाइज्ड। ते काय आहेत, लॅटिनाइज्ड आहे म्हणजे कुठेही जगातल्या कुठल्याही भागामध्ये तो पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम ओरिजिनेट झालेला असेल तरीही तो लॅटिन भाषेमध्ये त्याच्या नावाचा अर्थ दिला जातो। ओके देन सेकंड, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेझेंट द जीनस। तुम्हाला माहिती मँगीफेरामध्ये मँगीफेरा जीनसचं नाव आहे आणि जो सेकंड कॉम्पोनंट असतो तो डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। याच्यापैकी जीनस एकापेक्षा जास्त ऑर्गॅनिझमच्या नावामध्ये रिपीट होऊ शकतो पण स्पेसिफिक एपिथेट रिपीट होत नाही। स्पेसिफिक एपिथेट जे आहे ते स्पेसिफिक असतं प्रत्येक ऑर्गॅनिझमसाठी। तिसरं, बोथ दी वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम्स वेन हँड रिटन, ज्यावेळेला तुम्ही हाताने लिहिसाल त्यावेळेला त्याला अंडरलाईन करायला पाहिजे आणि ज्यावेळेला ते प्रिंटेड असेल तर ते कुठल्या फॉन्ट मध्ये प्रिंट करायचे, तर इटॅलिक फॉन्ट मध्ये प्रिंट करायचं आहे। वेन प्रिंटेड दे शुड बी प्रिंटेड इन द इटॅलिक्स, वेन हँड रिटन दे शुड बी सेपरेटली अंडरलाईन। त्यानंतर द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द जीनस व्हाइल अँड इट स्टार्ट विथ द कॅपिटल लेटर, जसं की मँगीफेरा किंवा पॅन्थेरा लिहिताना कॅपिटल लेटर पासून लिहायचं आणि स्पेसिफिक इपिथेट शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल लेटर। जीनसचं नाव कॅपिटल लेटर पासून सुरू व्हायला पाहिजे, स्पेसिफिक इपिथेट स्मॉल लेटर पासून सुरू व्हायला पाहिजे। आणि शेवटचं, ज्या कुणी याचं या स्पेसिसला डिस्कवर केलंय त्याला काय म्हटलंय, नेम ऑफ ऑथर, नेम ऑफ ऑथर शुड बी, नेम ऑफ ऑथर शुड बी रिटन आफ्टर द नेम ऑफ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल नेम ऑर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट इन ऍब्रिवेटेड फॉर्म। ऑथरचं जे नाव आहे ते ऍब्रिवेटेड फॉर्म मध्ये शेवटी लिहिलं गेलं पाहिजे त्या स्पेसिफिक इपिथेटच्या। जसं की इथे एक एक्झाम्पल दिलंय त्यांनी, मँगीफेरा इंडिका आणि त्याच्यानंतर एल आय डबल एन, हे जे लिन लिहिलेलं आहे हे काय आहे, तर दिस लिन इज फॉर लिनियस, संक्षिप्त स्वरूपात ऍब्रिवेटेड फॉर्म मध्ये तिथं त्या ऑथरचं नाव लिहिलं गेलं पाहिजे। ओके इथपर्यंत आपण काल बघितलंय। आता पुढचा कॉन्सेप्ट आहे टॉटोनेम्स म्हणजे काय, म्हणजे जो की एनसीईआरटी मध्ये दिलेला नाहीये पण एक एमसीक्यू येतो, व्हॉट डू यू मीन बाय टॉटोनेम्स। ओके टॉटोनेम्स, तर ज्या वेळेला एखाद्या सायंटिफिक नावामध्ये जीनसचं आणि स्पेसिसचं नाव, जीनस आणि स्पेसिस यांचं नाव सारखं असेल, जसं की एक फिश आहे बघा त्याचं नाव आहे खटला खटला, किंवा रॅटचं नाव जे असतं रॅट, तर रॅटचं नाव काय आहे, रॅटस 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 रॅटस, म्हणजे जिथं जीनस आणि स्पेसिफिक इपिथेट हे सारखेच असतात सेम असतात तशा नावांना टॉटोनेम्स असं म्हटलं जातं। फॉर एक्झाम्पल रॅटस रॅटस कटला कटला, किंवा तिसरं इथं सांगायचं झालं तर गोरिला गोरिला, जो वेस्टर्न गोरिला आहे त्याचं हे नाव आहे, तर रॅटस रॅटस कटला कटला किंवा नाजा नाजा यस, तर हे जे रिपीटेडली म्हणजे सेम जीनस आणि स्पेसिस ज्या वेळेला सेम नाव असतं तर त्याला टॉटोनेम्स म्हणतात। हा पॉईंट एनसीईआरटीवर लिहून घ्या, हा दिलेला नाहीये। ओके आगे बढते आहे। आता
पुढचा कॉन्सेप्ट जो आहे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आतापर्यंत आपण नॉमेनक्लेचर संपवलं, आता आहे क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन सुरुवात अशी आहे पॅरेग्राफची की इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट ऑन द अर्थ. प्रत्येकच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला इंडिव्हिज्युअली स्टडी करणं शक्य नाहीये. टू मेक दिस पॉसिबल सायंटिस्ट हॅव डिस्क्राइब्ड ऑर डिस्कवर्ड अ प्रोसेस. हे पॉसिबल करण्यासाठी सायंटिस्टने एक प्रोसेस डेव्हलप केली आहे, ती म्हणजे क्लासिफिकेशनची. व्हॉट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? तर क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच एनीथिंग, कुछ भी, जरूरी नाही आहे की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ही हो, एनीथिंग कॅन बी ग्रुप्ड, एनीथिंग कॅन बी ग्रुप्ड इन टू कन्व्हिनियंट कॅटेगरीज. किसी भी चीज को हम कन्व्हिनियंट कॅटेगरीज में क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कॅरेक्टर्स. इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे बेस्ड किसी भी चीज को हम कन्वीनियंट कैटेगरीज में ब्रेक कर सकते, सॉरी क्लासिफाई कर सकते, ग्रुप कर सकते, उसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग कैन बी ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज. जसं की सिंपल एक्झाम्पल, फार जास्त त्याचा डोक्याला ताण घेऊ नका, साधं एक्झाम्पल सांगतो. तुम्ही कधी लायब्ररीमध्ये गेलात, ओके, कुठल्याही लायब्ररीमध्ये तुम्ही गेलात तर तिथं बुक्स जे आहेत ते बुक्स असे अस्ताव्यस्त नसतात, ते वेल ऑर्गनाइज्ड असतात. तुम्हाला तिथं बायोग्राफीच्या सेक्शनमध्ये ऑटोबायोग्राफीज मिळतील, कुकिंग रिलेटेड बुक्सच्या सेक्शनमध्येच तुम्हाला कुकिंग रिलेटेड बुक्स मिळतील, तुम्हाला टुरिझम म्हणजे ट्रॅव्हलिंग रिलेटेड बुक्स बघायचे असतील, प्रवास वर्णन असेल किंवा ट्रॅव्हलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जिथं असते तर त्याचा एक वेगळा सेक्शन असतो, किड्ससाठी एक वेगळा सेक्शन असतो, कॉमिक्सचा एक वेगळा सेक्शन असतो, नॉवेल्सचा एक वेगळा सेक्शन असतो. म्हणजे आपल्याला एखादं नॉवेल शोधायचं आहे तर आपण नॉवेलच्याच सेक्शनमध्ये जाऊन ते नॉवेल शोधू, आपण त्याला कुकिंग रिलेटेडमध्ये नाही शोधणार आहे. तर जसे पुस्तकांचे असे वेगळ्या वेगळ्या ग्रुपमध्ये वाटणी केल्यामुळे कुठलंही पुस्तक सापडणं शोधणं सोपं होतं, तसंच अँड ऑर्गॅनिझम्सला, ते प्लांट असतील, ॲनिमल असतील, यांना वेगळ्या वेगळ्या ग्रुप्समध्ये क्लासिफाय केलं तर त्यांचं स्टडी करणं सोपं होतं. म्हणजे समजा तुम्ही फ्लावरिंग प्लांटचा स्टडी केला, म्हणजे अँजियोस्पर्मचा तुम्हाला स्टडी करायचा असेल तर अँजियोस्पर्मच्याच अंडरचे प्लांट येतील ना तिकडं. ब्रायोफाईट टेरिडोफाईट्सची इन्फॉर्मेशन, म्हणजे ज्याला अँजियोस्पर्म स्टडी करायचा त्याला ब्रायोफाईट टेरिडोफाईट्सला अननेसेसरीली वाचत बसण्याची गरज नाही पडणार जर अँजियोस्पर्मला वेगळ्या ग्रुपमध्ये क्लासिफाय केलं असेल तर. तो किसी भी चीज को कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देना, ग्रुप कर देना ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. सहज निदर्शनासितील इजीली जो कैरेक्टर्स हमें नोट होंगे उनके बेसिस पर कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुपिंग करना यानी क्लासिफिकेशन. जरूरी नहीं है एनिमल्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही हो, हर चीज को हम ग्रुप कर सकते हैं, हर चीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं. तो अब जैसे कि अब बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की. जब हम प्लांट के बारे में बात करते हैं, मैंने कहा कि भाई प्लांट इमेजिन करो, तो आपका जो दिमाग होता है उसमें प्लांट्स के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उस पर बेस्ड आपके जहन में एक प्लांट की इमेज क्रिएट हो जाती है कि वहां पर स्टेम होगा, उस पर ब्रांचेस होंगे, पत्ते होंगे, फ्लावर्स होंगे, ये कुछ इस तरह का इमेज जनरेट होता है. ऐसा नहीं होता है कि प्लांट इमेजिन करो और उसको पूंछ दिख रही है आपके दिमाग में, आप इमेजिन कर रहे हो उसको आंखें है, कान है. प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स है उन पर बेस्ड आप प्लांट को इमेजिन कर पाते हो. जब मैं कहूंगा एनिमल्स को इमेजिन करो तो आपको पैरों वाला, कान वाला, आंखों वाला, ऐसे कैरेक्टर जो है, ऐसे सोपे सोपे कैरेक्टर की ज्यादा डोले असतात, कान असतात, पाय असतात, शेपूट असते, जे एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर मूव होऊ शकतात, ते एनिमल्स असतात. कन्फ्युजन आहे का काही? नाही. तर असेच इझिली ऑब्झर्वेबल कॅरेक्टर्स वर बेस्ड आपण ऑर्गॅनिझम्सला, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सला कॅटेगराइज केलेलं आहे. त्यात मग मी तुम्हाला म्हटलं की व्हीट इमॅजिन करा, गहू इमॅजिन करा, तर तुमच्या समोर पांढरे तांदळाच्या दाण्यांसारखं काही येतं का? नाही, गहूच येतात. म्हणजे तुम्हाला गव्हाचीही कॅरेक्टर माहितीये. मी जर तुम्हाला म्हटलं डॉग इमॅजिन करा तर तुमच्या नजरेसमोर डॉग्सच इमेज जनरेट होते, कारण तुम्हाला माहितीये डॉग कोणाला म्हणायचं. फॉक्स असेल, उल्फ असतील, हे जरी डॉगशी मॅच करतात दिसायला, पण त्याचा अर्थ असा नाही होत की डॉग आणि उल्फ तुम्ही कन्फ्यूज होताय किंवा डॉग आणि कॅट तुम्ही कन्फ्यूज होताय, असं नाही होत आहे. ज्या वेळेला मी मॅमल्स इमॅजिन करा म्हणतोय
आता तुम्हाला माहिती आहे मॅमल्स म्हणजे कोण, ज्यांचे कान बाहेर आलेले असतात, ज्यांच्या बॉडीवरती हेअर असतात, असे जे ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांना मॅमल्स म्हटलं जातं। तर आपको जब मैं कहूंगा मॅमल्स इमॅजिन करो तो आपके सामने उड़ने वाले फिदर वाले जानवर आते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो बर्ड्स है। ओके, किंवा मॅमल्स इमॅजिन करा म्हटल्यावर सरपटणारं कोणी येतं का? नाही, कारण ते रेप्टाइल्स है। तो हमें ऑर्गॅनिझम्स के कॅरेक्टर्स पता है, हमें ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर पता है कि भाई व्हीट के क्या कैरेक्टर है, डॉग के क्या कैरेक्टर है, और इस पर बेस्ड, उन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर बेस्ड ये कैटेगरीज बनाए गए हैं कि मैमल्स किसे कहना है, एनिमल किसे कहना है, डॉग किसे कहना है। आता ये प्रत्येक कैटेगरी बनवली गेली आहे त्याच्यातल्या असणाऱ्या काही फीचर्स वरून, म्हणजे ज्या ऑर्गॅनिझम्सला मॅमल्स मध्ये टाकलंय त्यांचे कान बाहेर असतात, त्यांच्या बॉडीवरती हेअर असतात, ओके, ते डायरेक्टली पिलांना जन्म देतात, म्हणजे ते अंडी नाही देत, एक प्लॅटी म्हणजे एक एक्सेप्शन सोडलं तर, पण इथं आपण जनरलच बोलू, तर मॅमल जे आहेत, जे ज्या ऑर्गॅनिझम्स मध्ये हे मॅमलचे कॅरेक्टर्स असतात त्यांना त्या इझिली ऑब्झर्वेबल कॅरेक्टर्स वर बेस्ड तुम्ही काय करतात, मॅमल्स मध्ये टाकतात। नीट समजून घ्या, म्हणजे मी जेवढं सिम्प्लिफाय करतोय याला, ते तुम्हाला ज्यावेळेला आपण एनसीईआरटी वर जाऊ त्याच्यात काहीच तुम्हाला असं वाचण्यासारखं किंवा समजणार नाही असं उरलेलं नसणार, हे फक्त एक व्यवस्थित समजून घ्या। आता मी ज्यावेळेला डॉग म्हटलं तर तुम्ही त्याला कॅट किंवा फॉक्स किंवा टायगर लॉयन याच्याशी कन्फ्यूज नाही केलं, तुम्हाला माहिती आहे डॉगचे काय कॅरेक्टर आहे आणि कोणाला डॉग म्हणायचं आहे। अब ये हर जो कॅटेगरी है कि एनिमल मॅमल डॉग, ये कुछ कॅरेक्टर्स पर बेस्ड बनाई गई है, और इस हर कॅटेगरी को क्लासिफिकेशन के टर्म में टैक्सॉन कहा जाता है। हर कैटेगरी को क्या कहा जाता है? टैक्सॉन। टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब एनिमल एक टैक्सॉन है, मैमल एक टैक्सॉन है, डॉग एक टैक्सॉन है, कैट एक टैक्सॉन है। तो हर एक जो कैटेगरी है जिसमें आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हो उसे टैक्सॉन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? टैक्सॉन। आता इथं जर मी थोडस अजून पुढे घेऊन चाललोय मग तुम्हाला, आता म्हणजे मी काय बोललो, एनिमल हा पण एक टॅक्झॉन आहे, मॅमल म्हणजे सस्तन प्राणी ज्यांच्यामध्ये फिमेल मध्ये मॅमरी ग्लँड असतात, ज्यांच्यामध्ये फिमेल मध्ये मॅमरी ग्लँड असतात, बॉडीवरती हेअर असतात, कान बाहेर असतात, जे व्हीवी पॅरस असतात म्हणजे डायरेक्टली पिलांना जन्म देतात, अंडी देत नाहीत, ऐसे ऑर्गॅनिझम्स को, ऐसे जानवरों को, एनिमल्स को मॅमल्स कहा जाता है। जब मैं कहता हूं कि डॉग इमेजिन करो तो आप उसको उसके जो भी कॅरेक्टर्स आहे उस पर बेस्ड डॉग इमेजिन करते हो। ही प्रत्येक कॅटेगरी जी आहे ना तिला काय म्हणतो आपण? टॅक्सॉन म्हणतो। एव्हरी कॅटेगरी इज अ टॅक्सॉन, बायोलॉजिकल या क्लासिफिकेशन के टर्म में उसे टॅक्सॉन कहा जाता है। अब पॉइंट क्या है कि एनिमल एक टॅक्सॉन है और मैमल एक टॅक्सॉन है, लेकिन सारे ही मैमल्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, मैमल जो है वो एनिमल है। अब ये बात अलग है कि एनिमल्स में मैमल के अलावा रेप्टाइल भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, एम्फीबियंस भी आते हैं, उसके बाद फिश भी आते हैं, ये भी है, लेकिन सारे ही मैमल्स एनिमल्स हैं, मतलब दोनों में से बड़ा या ऊपर का टैक्सॉन कौन हुआ? एनिमल बड़ा टैक्सॉन है, एनिमल बड़ी कैटेगरी है, एनिमल बड़ा ग्रुप है कंपैरेटिवली, क्योंकि एनिमल में मैमल्स के साथ साथ रेप्टाइल बर्ड्स और बाकी चीजें भी आ रही है। मैमल्स की जब बात करता हूं तो मैमल भी एनिमल है और डॉग भी एनिमल है, ओके। सेकेंडली मैमल्स, डॉग एक टैक्सॉन है, मैमल एक टैक्सॉन है, तो डॉग जो है वो मैमल्स में भी आते हैं, क्योंकि डॉग को मैमल्स के कैरेक्टर्स डॉग फुलफिल करते हैं। तो ये भी एक टैक्सॉन है, मैमल भी एक टैक्सॉन है, लेकिन दोनों में से बड़ा टैक्सॉन कौन है? मैमल, क्योंकि डॉग के अलावा यहाँ पर टाइगर लायन ह्यूमन गोरिल्ला चिंपांजी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मतलब ये बड़ा टैक्सॉन है। कहने का मतलब ये है कि ये जो टैक्सॉन है या ये जो ग्रुप्स है या ये जो कैटेगरीज है, दे हैव डिफरेंट रैंक्स, वो सारे के सारे एक ही लेवल के नहीं होते, उनमें अलग अलग रैंक्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पूछा कि सबसे ऊपर का रैंक किसका होगा, तो सिंपल सी बात है एनिमल का होगा। एनिमल ये टैक्सॉन है कि जिसमें मैमल भी आकर मैमल के अलावा बाकी जानवर भी आते हैं उसमें। अब बचे हुए डॉग ऊपर का होगा या मैमल ऊपर का होगा, तो मैमल जो है वो डॉग से ऊपर होगा, क्योंकि डॉग जो है वो मैमल के अंडर तो आता है लेकिन उसके अलावा बाकी जानवर भी उसमें आते हैं। मतलब हर कैटेगरी एक टैक्सॉन है और इन टैक्सॉन के अलग अलग लेवल या अलग अलग रैंक होते हैं, जैसे कि एनिमल ऊपर का टैक्सॉन है और ये जो है सर ह्यूमन बींग्स कौन से कैटेगरी में देता? मैमल्स में। यस, ह्यूमन बींग्स आर मैमल्स, हमारे कान बाहर है, हमारे बॉडी पर हेयर है, फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड है,
डायरेक्टली म्हणजे तिथं ओव्हीपॅरी नाहीये, म्हणजे पिलांना जन्म दिले जातात, एग लेईंग नसते. सो मॅमल, ह्युमन बीइंग्स आर मॅमल. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. पॉइंट इज दैट कि हर जो कैटेगरी हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं उसको अलग अलग रैंक होते हैं. कुछ कैटेगरी ऊपर के होते हैं, कुछ नीचे के होते हैं, कुछ कैटेगरी बड़े होते हैं, कुछ ग्रुप बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. हर कैटेगरी को क्या कहा जाता है? टैक्सॉन. जैसे कि मैमल एक टैक्सॉन आहे, एनिमल एक टैक्सॉन आहे, डॉग एक टैक्सॉन है, कैट एक टैक्सॉन आहे. एंड दिस टैक्सॉन इज अ, रट लेना ये लाइन, एनसीईआरटी में भी दो बार लिखी हुई है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एनसीईआरटी में भी दो बार कहा गया है. टैक्सॉन को अलग अलग रैंक होते हैं. टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन्स आर द डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सर्टन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. कुछ कैरेक्टर्स पर बेस्ड ऐसे ग्रुप बनाए गए हैं, उन ग्रुप्स को कहा जाता है टैक्सॉन. एंड टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. टैक्सॉन के अलग अलग लेवल या अलग अलग रैंक्स होते हैं. द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी. द प्रोसेस कि जिसमें क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है उसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी. या साइंस विच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी. और जो बंदा इस प्रोसेस को से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करता है उसे टैक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है. मतलब टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच विच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन. और वो करने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको कहा जाता है टैक्सोनॉमिस्ट. आगे बढ़ते हैं. किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते समय टैक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं वो कैसे, कौन से कैरेक्टर्स उसके स्टडी करते हैं या किस बुनियाद पे, किस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है. सो फर्स्ट इज एक्सटर्नल कैरेक्टर. एक्सटर्नल कैरेक्टर यानी मॉर्फोलॉजी, ऊपर से कैसे दिखता है. उसके बाद उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा जाता है या स्टडी किया जाता है. इंटरनल कैरेक्टर्स हर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने से पहले उसका कैरेक्टराइजेशन किया जाता है. तो कैरेक्टराइजेशन में कौन से कैरेक्टर्स एनालाइज किए जाते हैं या कौन से फैक्टर्स से जो कंसिडर किए जाते हैं, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं. इंटरनल कैरेक्टर्स म्हणजे एनाटॉमी, आतून तो कसा असतो. उसके बाद उसके सेल्युलर स्ट्रक्चर के बारे में भी, सेल्युलर स्ट्रक्चर जो है उसके कैरेक्टर्स भी कंसिडर किए जाते हैं कि त्याच्यामध्ये सेल वॉल आहे की नाही आहे. असेल तर मग तो सेल्युलोजचा आहे की कायटिनचा आहे. नसेल तर मग तिथं बाहेरून पेलिकल आहे की प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. त्याच्या आतमध्ये क्लोरोप्लास्ट आहे की नाही आहे, म्हणजे सेल त्याची ऑटोट्रॉपिक. असं सगळे सेलचे कॅरेक्टर, सेल्युलर कॅरेक्टर वहां पर कन्सिडर किए जाते. तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल. याच्यानंतर एक लाईन आहे एनसीईआरटी मध्ये जिथं पेज चेंज होतं, हा ज्यावेळेला आपण पेज चेंज करू तिथं खाली एक लाईन आहे, डेव्हलपमेंटल प्रोसेस. शब्द येतो लाईन म्हणजे डेव्हलपमेंटल प्रोसेस. सापडला का? बऱ्याच जणांनी पाहिलं असेल एनसीईआरटी मध्ये बॉटमला. सापडला? जिथं पेज चेंज होतं हे, तिथे बॉटमला डेव्हलपमेंटल प्रोसेस असा शब्द आहे. आणि इकॉलॉजिकल रिलेशनशिप्स या इकोलॉजिकल प्रोसेस, इतनी सारी चीजें कंसिडर की जाती है. हो सापडला चैतन्य, सापडला ना, मग लक्षात ठेवा. साइंटिस्ट भी रीड करणे हे क्या कृष्णा, एनसीईआरटी जे आहे ते सगळं वाचायचंय. एनसीईआरटी सगळं वाचायचं, सगळं. इनफॅक्ट युनिटच्या अगोदर जे इंट्रोडक्शन आहे सायंटिस्टचं ते त्याच्या सहित सगळं वाचायचं, त्याच्या सहित. आणि ते मी वाचून घेणार आहे. म्हणजे तुम्हाला आता इथून पुढे काही तीन चार टॉपिक झाले की आठवड्याला परत ह्या लेक्चर व्यतिरिक्त तुम्हाला एनसीईआरटीचा आपण रिव्हिजन लेक्चर्स घेणार आहोत इथे. ओके, म्हणजे तुम्हाला माझ्यासोबतच पटपट पटपट एक दीड तासात एक टॉपिक, दीड तासात एक टॉपिक, असं मी तुम्हाला अगोदर इन्फॉर्म करत जाईल की हा टॉपिक वाचा. त्याच्यानंतर आपण त्या रिव्हिजन सेक्शनमध्ये फक्त इम्पॉर्टंट 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 पॉईंट आणि त्याच्यावर विचारले गेलेले क्वेश्चन्स किंवा विचारले जाऊ शकणारे क्वेश्चन्स. ओके, तर सध्या तुम्ही इथं बघा. आता टॅक्सॉनॉमी इज द सायन्स विच डील्स विथ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन. और जो बंदा क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व है या जो इसका एक्सपर्ट है उसे टैक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है. किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने से पहले उसका कैरेक्टराइजेशन करना जरूरी होता है, उसके कैरेक्टर्स पता करना जरूरी होता है. और उसमें सर त्या इंट्रोडक्शन वर पण क्वेश्चन टाकणार आहे का तुम्ही? मी पूर्ण एनसीईआरटी वर क्वेश्चन टाकणार आहे. ओके, तुम्ही जर असे प्रश्न विचारत बसलेत तर मी सुरुवातीचे टॉपिक सुरू व्हायच्या अगोदर जी इन्फॉर्मेशन असते ना ती छोट्या छोट्या अक्षरात त्याच्यावर पण क्वेश्चन टाकणार आहे. तुमचे याच्यावर टाकणार आहे का, त्याच्यावर टाकणार आहेत का, असे जर प्रश्न आले तर मी जे टॉपिक तसे करायचं आहे का,
एन्झायटिक जिथून सुरू होत आहे इन्फॉर्मेशन से इतर ते सगळे तुम्हाला वाचायचं आहे. ओके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स. डेव्हलपमेंटल प्रोसेस मतलब झायगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस और एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, उसकी बॉडी सिमेट्रिक है असिमेट्रिक है, वो डेवलप उसमें नोटोकॉर्ड होता है नहीं होता है, उसके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में या फिर यू कहो कि वो जायगोटिक स्टेज से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने तक की प्रोसेस डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, बीच में लार्वा बनता है या डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बनता है, ये सब कुछ डेवलपमेंटल प्रोसेस में सिंपली वो ऑर्गेनिज्म बनने की प्रोसेस. एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में उसमें कौन से स्टेजेस होते हैं, कौन से उसमें वहां पर सॉरी कसे कसे त्याचे स्ट्रक्चरल चेंजेस होऊन जातात, असे हे सगळं डेव्हलपमेंटल प्रोसेस मध्ये इन्वॉल्व असतं. आणि इकोलॉजिकल प्रोसेस, इकोलॉजी मीन्स ब्रांच कि जिसमें एक इंडिविजुअल और उसके एनवायरमेंट के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है. आपको 12th स्टैंडर्ड का लास्ट यूनिट भी है इकोलॉजी. तो इकोलॉजिकल प्रोसेस मतलब वो उसके हैबिटेट में किस तरह से अडेप्टेड है, वो उसका फूड हैबिट्स कैसे है, उसका फूड चेन में जगह क्या है उसकी, ये सारी चीजें म्हणजे फूड चेन मध्ये त्याचा प्लेस कुठल्या ट्रॉफिक लेवलचा तो आहे, त्याच्यानंतर तो त्या तिथल्या हॅबिटेट मध्ये कसा अडॅप्टेड आहे, त्याचं तो टेरेस्ट्रियल आहे का तो ॲक्वॅटिक आहे का तो एवियन आहे, हे सगळं तो किसी भी ऑर्गॅनिझम को क्लासिफाय करते वक्त एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल्युलर ऑर्गनायझेशन, डेव्हलपमेंटल प्रोसेस, इकॉलॉजिकल प्रोसेस. परत एक वेळेला तुम्ही रिवाइज करा न बघता काय काय येतं, जे विसरलं ते बघून घ्या. एवढं सगळं स्टडी केलं जातं. मग ऐसे उसके कॅरेक्टर्स मिल गए, सो ऑल दीज कंसिडर्ड इन मॉडर्न टैक्सोनॉमी. मॉडर्न जो टैक्सोनॉमी है उसमें इतना सब कुछ कंसिडर किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म के को कैरेक्टराइज करते समय. आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बेसिस क्या है, तो ये सब कुछ स्टडी करने पर आपको उस ऑर्गेनिज्म का क्या पता चला, कैरेक्टर्स. तो पहले उसका कैरेक्टराइजेशन करो, ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करने पूर्व चला कैरेक्टराइज करा. कैरेक्टराइजेशन करने के बाद आपको समझ में आता है कि वो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली है क्या, वो कॉर्डेट है नॉन कॉर्डेट है, प्लांट की बात करें वो एंजियोस्पर्मिक है या एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है. तो आपने उसका कैरेक्टराइजेशन कर दिया, उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, आइडेंटिफाई हो गया आपको, आइडेंटिफिकेशन. तो आइडेंटिफिकेशन कर दिया, उसके बाद उसको क्लासिफाई कर दो, क्लासिफिकेशन कि उसके ग्रुप में उसको क्लासिफाई कर दो, उसका जीनस उसकी स्पेसीज क्या है उसकी फैमिली क्या है उसको क्लासिफाई कर दो उसके कैरेक्टराइजेशन पर बेस्ड. एंड लास्ट इज नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर म्हणजे त्याला एक सायंटिफिक नाव द्या, त्याला सायंटिफिक नाव द्या. पहिलं जीनस, दुसरं स्पेसिफिक एपिथेट. जीनसचं नाव रिपीट होऊ शकतं, स्पेसिफिक एपिथेट रिपीट होत नाही, ते प्रत्येक स्पेसिस साठी सेम असतं. ओके, म्हणजे जसं की पॅन्थेरा, टायगर, लायन आणि लेपर्ड या तिन्हीच्या जीनसचं नाव आहे, पण स्पेसिफिक एपिथेट रिपीट होणार नाही, आता पुढे येईल. तो ऑल दीज आर द बेसिस ऑफ, ये सारी प्रोसेसेस जो है ये बेसिस है मॉडर्न टैक्सोनॉमी के. मॉडर्न टैक्सोनॉमी के हर एक लाइन एनसीईआरटी में है, आपके सामने देख लो पेज टर्न करके, जो सेकंड पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहां पर, या फिर यू कहो कि पहला पैराग्राफ एंड होने के बाद जो वहां पर शुरू होता है वहां दिया है कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये सब कुछ क्या है, बेसिस है मॉडर्न टैक्सोनॉमी के. मॉडर्न टैक्सोनॉमी के ये बेसिस है. आगे बढ़ते हैं. अब ऐसा नहीं है कि इंसान आज, मतलब मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न वर्ड लगने पर ऐसा लगता है कि ये आजकल की ब्रांच है, ऐसा नहीं है. इंसान जो है वो पहले से बहुत सालों से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते आ रहे हैं. आपको एनसीईआरटी का लाइन मिल जाएगा कि ह्यूमन बींग्स वेर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द ऑर्गेनिज्म. इंसान जो थे वो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने में काफी इंटरेस्टेड थे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए. क्यों इंटरेस्टेड थे, क्योंकि पहले ये जो डेवलपमेंट है सारी चीजें मतलब इवॉल्व होने से पहले या इतना सिविलाइजेशन होने से पहले इंसान जो थे जब जंगल में रहते थे जब या जब लाइफ बहुत ही रॉ हुआ करता था, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था उस जमाने में, इंसानों को फूड, शेल्टर और क्लोदिंग, जो बेसिक जरूरतें हैं अन्न वस्त्र आणि निवारा, अन्न वस्त्र आणि निवारा या ज्या बेसिक गरजा आहे त्याचा सोर्स माणसाला निसर्गामधनं शोधायचा होता. वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम जे आहेत त्या ऑर्गॅनिझम्स मध्ये
पासन त्याला ह्या बेसिक गरजा फुलफिल करायच्या असायच्या. म्हणून ऑर्गॅनिझमला वेगळ्या वेगळ्या प्लांट्स, माणसाला ह्युमन बिंगला वेगळ्या वेगळ्या प्लांट्स ॲनिमल्स यांच्याविषयी जाणून घेण्यात भरपूर इंटरेस्ट होता. त्याचबरोबर बघा त्यावेळेला पण ऑर्गॅनिझम क्लासिफाय होते. तुम्ही जर बेसिकली ऑब्झर्व केलं, एकदम सिम्पल गोष्ट आहे बघा, तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर घोडा आणि झेब्रा हे दोन्हीही कंपॅरेटिवली सारखे आहेत दिसायला, पण घोड्यालाच डोमेस्टिकेट केलं गेलं. कधी काळी घोडाही वाईल्ड असेल ना, पण घोड्यालाच डोमेस्टिकेट केलं गेलं. झेब्रा डोमेस्टिकेट झाला नाही किंवा यांच्याकडे यांनी केला नाही. किंवा कुत्र्याला आपण प्रोटेक्शनसाठी वापरलं, ओके, कुत्रा जो आहे तो प्रोटेक्शनसाठी वापरतो, घोडा जो आहे तो ट्रॅव्हलिंगसाठी वापरतो, त्याच्यानंतर आपले जे बैल आहेत किंवा इतर कॅटल आहेत ते शेतामध्ये राबण्यासाठी वापरलो तो, काऊ बफेलो सारखे ऑर्गॅनिझम मिल्क प्रोडक्शनसाठी म्हणजे फूडचा सोर्स म्हणून वापरतो. तर हे काय, हे क्लासिफिकेशनच एक प्रकारचं. प्रोटेक्शन म्हटल्यानंतर तिथं बफेलो हे नाव येईल का तुमच्या समोर, किंवा ट्रॅव्हलिंग म्हटल्यानंतर डॉगवर बसून ट्रॅव्हल करण्याचा विचारही येतो का तुमच्या डोक्यात? तर हे यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन होतं. मतलब क्लासिफिकेशन नया नाही आहे, पहले से क्लासिफाय करते आ रहे ऑर्गेनिज्म को. खाली बात यह है कि पहले इतना कुछ कंसिडर नहीं होता था, या पहले जो क्लासिफिकेशन था वो सिंपली यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन था. पहले जो है वो ऐसा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर ऐसा कुछ नहीं था. इंसानों को नेचर पर, इंसानों की डिपेंडेबिलिटी जो थी फूड, शेल्टर, वाटर के लिए, तो बहुत ज्यादा हद तक थी. डेवलपमेंट उतना कुछ था नहीं. जो कुछ भी मिल रहा है या जो कुछ भी लेना है वो नेचर से ही लेना है. इसलिए ह्यूमन बींग जो है वो उनका दिमाग पूरा नेचर पर या नेचर में अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म से उनको स्टडी करने में लगा देते थे, टू गेट द फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग. फूड शेल्टर क्लोथिंग जैसे बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए. साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स वेर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म के दूसरे के साथ, दूसरे के तीसरे के साथ क्या रिलेशनशिप्स है, उनके एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा होता है, इसके बारे में जानने में भी इंसानों को तब भी दिलचस्पी थी. और इसी से एक नया ब्रांच इमर्ज होता है जो ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी करता है. दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स. इस ब्रांच को क्या कहा जाता है? सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच. ओके, अब ये जो सिस्टमैटिक्स है उस पर, उसका डेफिनेशन आने से पहले मैं आपको इस वर्ड का मतलब समझा देता हूं. सिस्टिमा, ये जो वर्ड है, ये कार्लस लिनियस ने बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टिमा नेचरी. सिस्टिमा नेचरी, तो उसपे से सिस्टिमा वर्ड लिया गया और सिस्टिमा वर्ड से सिस्टमैटिक्स वर्ड लिया गया. ओके, तो सिस्टिमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. सिस्टिमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. उससे ये वर्ड लिया गया जिसमें ऑर्गेनिजम्स के एक दूसरे के साथ जो इंटर रिलेशन है उसको स्टडी किया जाता है. और सिस्टमैटिक्स ये ऐसा ब्रांच है जिसमें आज की डेट में, मतलब सिस्टमैटिक्स का जो स्कोप है वो एनलार्ज किया गया, बढ़ा दिया गया. और आज की डेट में सिस्टमैटिक्स में क्या आता है? तो सिस्टमैटिक्स में आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहले जो चार चीजें लिखी थी मैंने, कौन सी चार चीजें लिखी थी? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर. उसमें से कैरेक्टराइजेशन छोड़ के ये तीनों चीजें सिस्टमैटिक्स का भी हिस्सा है. ये चारों चीजें टैक्सोनॉमी के बेसिस है. कौन? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बेसिस है. वैसे ये जो है, मतलब सिस्टमैटिक्स जो है, उसमें इन चारों में से क्या आता है? ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और तीसरा है नॉमेनक्लेचर. ये आज सिस्टमैटिक्स में भी आता है. मतलब स्कोप बढ़ा दिया गया है सिस्टमैटिक्स का, और उस स्कोप बढ़ा देने की वजह से वहां पर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ये भी आता है. और साथ में उस पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखो, वहां पर जिस पैराग्राफ पर अभी मैं पढ़ा रहा हूं उसकी लास्ट लाइन है कि सिस्टमैटिक्स में ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कंसिडर किया जाता है. ये नया है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कंसिडर किया जाता है ऑर्गेनिज्म का. लास्ट लाइन वाचा. ओके सर, आज के डीपीपी में कल के लेक्चर के भी क्वेश्चन आएंगे क्या? यस बेटा, कल का भूलना थोड़ी है तुझे. मतलब कल के नहीं आएंगे. मैं टॉपिक जब तक चल रहा है तो उस टॉपिक में सब कुछ आता रहेगा डीपीपी में. हाँ, ये बात अलग है कि ज्यादातर इस क्वेश्चन इसके होंगे, लेकिन आपको लास्ट लेक्चर भूलना नहीं चाहिए. मतलब वो हर लेक्चर अटेंड करते समय वो मे तक याद रखना है, नीट तक याद रखना है. उस एटीट्यूड से अटेंड करो ना. ओके, सो मिल गया.
तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो सिस्टमैटिक्स में कैरेक्टराइजेशन नहीं है, बाकी तीनों है जो टैक्सोनॉमी में थे, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर तीनों है। इसके साथ में सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कंसिडर होता है। ओके तो चलो भाई फिर एक बार मैं काय सांगितलं है तुम्हारा तर पट 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 चलो बघा आता तेच आहे की नाही आहे। इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना इम्पॉसिबल है। सो कुछ ऐसा है वहां पर, इट इज बिकम नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल करने के लिए कुछ प्रोसेस, कुछ वहां पर डिवाइस बनाना या फिर कुछ ऐसी प्रोसेस डेवलप करना जरूरी था कि ऑर्गेनिज्म सारे पढ़ा स्टडी किए जा सके। उस प्रोसेस को कहा गया क्लासिफिकेशन। क्या है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर बेस्ड आप किसी भी चीज को कन्वीनियंट कैटेगरी में बघा। आता मी तुम्हाला प्रत्येक वेळा सांगतो ही लाईन एनसीईआरटी ची, इथं लक्ष द्या, इथं स्ट्रेस द्या, इथं लक्ष द्या। तुम्हाला ना माझे वाक्य ज्याला एनसीईआरटी येतो आपण त्यावेळेला स्ट्राइक व्हायला पाहिजे, हो बोर्डवर ते लिहिलं होतं, हो बोर्डवर हा पॉइंट इथं लिहिला होता, इतकं लक्ष तुमचं पाहिजे। म्हणजे एकदम डोकं शांत आणि जागेवर ठेवून मी ज्यावेळेला म्हणतो की बघा हे वाक्य आपल्याला सापडेल, मी ज्यावेळेला म्हटलं होतं की हे वाक्य पॅराग्राफच्या एंडला आहे, ते वाक्य पॅराग्राफच्या सुरुवातीला आहे, का सांगतो मी तुम्हाला? कारण ज्यावेळेला आपण वाचतो त्याला आपल्याला ते स्ट्राइक व्हायला पाहिजे। बघा आता इकडे, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, किसी भी चीज को आप कन्वीनियंट कैटेगरीज में बेस्ट डिवाइड कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया जिसमें बुक के अलग अलग शेल्फ में अलग अलग टाइप के बुक्स रखे जाते हैं, और ये क्लासिफिकेशन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे होना चाहिए। देन फॉर एग्जाम्पल ये जो पैराग्राफ है इसमें खास कुछ नहीं है, मतलब देखो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जब हम बेस्ट ऑन, हाँ सो जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, तो हमें वो स्पेसिफिक कैटेगरी ही इमेजिन होती है। जब हम डॉग, कैट, इंसेक्ट के बारे में बात करते हैं, हमें वही स्पेसिफिक कैटेगरी इमेजिन होती है, क्योंकि हमें उनके कुछ कैरेक्टर्स पता होते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होते कि आपको डॉग कहा गया है और आपके सामने मच्छर आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ओके तो आपको डॉग के कैरेक्टर्स पता है। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट विद सर्टन कैरेक्टर, हम कुछ कैरेक्टर पर बेस्ड उसकी इमेज बना लेते हैं उस ग्रुप की। सो क्वेश्चन है यहां पर, व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट द कैट। नाउ इफ वी वेर थिंक ऑफ अल्सेशियंस, क्या है तो डॉग्स एक ब्रीड है अल्सेशियन, म्हणजे बरेच जणांनंतर प्रश्न विचारतात सर अल्सेशियन काय आहे, अल्सेशियन कुत्र्यांचीच एक ब्रीड आहे, एक तिथं कुत्र्यांचाच एक टाइप आहे। सो वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, जब हम अल्सेशियन के बारे में बात करते तो जिनको पता नहीं है उनको कुछ इमेजिन नहीं होता कि क्या है, लेकिन जिनको पता है ये डॉग का एक ब्रीड है, कैसा है, तो आपके सामने वो इमेज बन जाती है, छप जाती है आपके दिमाग में। सिमिलरली सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफकोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर एंड मेमोरी ग्लैंड इन द फीमेल्स। लाइकवाइज इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट्स, इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट द व्हीट, द पिक्चर ऑफ व्हीट कम्स इन द माइंड। तो ये सारे जो है वो कैरेक्टर्स है, मतलब आप व्हीट की बात करते तो व्हीट आता है, राइस नहीं आता, नॉट ऑफ राइस, ओके, और एनी अदर प्लांट। हेंस ऑल दीज, क्या डॉग, कैट, मैमल, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स आर कन्वीनियंट कैटेगरीज है। ये सब कुछ जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं क्या है, ये कन्वीनियंट कैटेगरीज है वी यूज टू स्टडी, सॉरी कन्वीनियंट कैटेगरीज है वी यूज टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए बनाए गए ये कन्वीनियंट कैटेगरीज है। ओके आता बघा आपण ते पॅराग्राफच्या शेवटी आलोय। द सायंटिफिक टर्म, या कॅटेगरीला सायंटिफिक टर्म काय आहे बघा रे, इथं हा एमसीक्यू आहे। सायंटिफिक टर्म फॉर दिस कॅटेगरीज इज टॅक्झॉन, साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज अ टैक्सॉन, एंड ये जो सॉरी और टैक्सा उसका प्लूरल है, टैक्सा उसका क्या है प्लूरल है, टैक्सॉन इज अ सिंगुलर, टैक्सा इज अ प्लूरल। ओके मुझे अनेक वचनी टैक्सा है, एक वचनी टैक्सॉन है। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट
कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। जैसे कि मैंने कहा था कि एनिमल सबसे ऊपर का है, मैमल उसके नीचे, डॉग उसके नीचे, मतलब भले ही इन सबको टैक्सा कहा गया हो लेकिन उनका लेवल एक नहीं होता है। ओके, सो प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म टैक्सा, व्हीट इज अ टैक्सा, उसके बाद सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग, ये हर एक चीज टैक्सा है। लेकिन लाइन देखो यहां पर क्या है, बट वी नो दैट अ डॉग इज अ मैमल, एक डॉग जो है वो मैमल में आता है और मैमल सारे एनिमल्स में आते हैं। मतलब क्या है, एनिमल सबसे ऊपर का टैक्सोन है, उसके नीचे मैमल है, उसके नीचे डॉग है, देयरफॉर इन तीनों में, देयरफॉर एनिमल, मैमल एंड डॉग्स रिप्रेजेंट द टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। वो अलग अलग लेवल के होते हैं, एक लेवल में नहीं होते, उनको रैंक होते हैं। तो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, लाइन हाईलाइट करा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। और जो इसके एक्सपर्ट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमिस्ट। ये जो प्रोसेस, इसको क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी, द साइंस और द ब्रांच विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी, उसे क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी आता हे प्रत्येक शब्द पाठ झाला पाहिजे तुम्हाला, मी तुम्हाला म्हटलं होतं तिथं, तर टॅक्झॉनॉमी कशावर बेस्ड आहे, एक्सटर्नल अँड इंटरनल स्ट्रक्चर, तर ऑर्गॅनिझम बाहेरून कसा दिसतो, आतून कसा दिसतो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, आठवते का, आणि मीच म्हटलं होतं पॅरेग्राफच्या शेवटी सापडेल तुम्हाला डेव्हलपमेंट प्रोसेस, और उसके बाद आया इकॉलॉजी। देखो डेव्हलपमेंट प्रोसेस अँड इकॉलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ डेव्हलपमेंट प्रोसेस अँड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में इतना सब कुछ स्टडी किया जाता है। रिपीट करा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, बॉटमला शेवटचा शब्द डेव्हलपमेंटल प्रोसेस आणि शेवटी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। देन याच्यातलं काय कळालं नाही ते पोस्ट करा रे कमेंट मध्ये, म्हणजे जे कळत नाहीये, जे शब्द असं वाटतं की सर याचा अर्थ काय, तर ते तिथे कमेंट मध्ये पोस्ट करून ठेवा। ओके, अब ये भी लाईन आपको याद होनी चाहिए कि बेसिस क्या है, टैक्सोनॉमी के बेसिस क्या है, तो कैरेक्टराइजेशन, जो ये सब कुछ स्टडी करने के बाद उसके कैरेक्टर्स पता चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड उसके बाद जो वर्ड नहीं आया वो नॉमेनक्लेचर है। सो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, दीज आर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ द टैक्सोनॉमी। देन देखो वो लाइन, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूजेस, जो कट हुआ है वो यूजेस वर्ड है। तो ह्यूमन बींग जो थे, ये टैक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है, ब्रांच नवीन नहीं है। मैं तुम्हारा जो बोल लो तो कि टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये जो था वो खुद के यूज के हिसाब से कि किस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, किस ऑर्गेनिज्म को ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं, किस ऑर्गेनिज्म को खेतों में यूज कर सकते हैं, किस ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं, किस ऑर्गेनिज्म से मिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं, ये सब कुछ यूज बेस्ड थे। क्योंकि उस जमाने में इंसान जो थे वो फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग जैसी बेसिक जरूरतें के लिए इन पर डिपेंड थे। क्या इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग नीडेड टू फाइंड सोर्सेस फॉर देयर बेसिक नीड्स, क्या थे बेसिक नीड्स, तो बेसिक नीड था फूड, क्लोदिंग एंड शेल्टर, अन्न, कपड़े आणि निवारा। याच्यासाठी तुम्हाला, तो म्हणाल कसं, फूड, वेगवेगळ्या जनावरांचं दूध किंवा त्यांची शिकार करून किंवा त्यांच्यापासून मिळणारे एग्स, क्लोदिंग, अजूनही काही ठिकाणी असं आहे की जनावरांची जी अशी जाड स्किन असते त्याच्यापासून जॅकेट्स वगैरे जिथं खूप थंडी असते असे बनवले जातात। ओके, शेल्टर साठी पण ते वापरले जातात। हेन्स द अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन वेअर बेस्ट ऑन द यूजेस, क्लासिफिकेशन पहले भी होता था लेकिन वो यूज बेस्ड था, इतना साइंटिफिक उसका बेसिस नहीं था। सर टैक्सोनॉमीचा हा सिक्वेन्स आहे का, डेव्हलपमेंट प्रोसेस, डान्स इसेन्स जे काय तुझं नाव आहे बेटा, तुझा डाऊट थोडासा इलॅबोरेट कर। ओके, देन डेव्हलपमेंटल प्रोसेस, जगदीश, डेव्हलपमेंट प्रोसेस मतलब उसके डेवलपमेंट कैसी होती है, वो जायगोट से लेके एक मैच्योर फॉर्म तक कैसे डेवलप होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, उसमें एक से बाहर निकलता है डायरेक्ट उस ऑर्गेनिज्म से, मतलब वीवी पैरस प्रोसेस से बाहर निकलता है, ये सब कुछ। ओके, देन अब देखो, ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डायवर्सिटीज, बट ऑल्सो
देअर रिलेशनशिप्स ऑल्सो दी रिलेशनशिप्स अमॉंग देम्स, म्हणजे माणसाला त्यांच्या ऑर्गॅनिझम्सचे इंटर रिलेशनशिप्स कसे आहेत याच्यात पण इंटरेस्ट होता. आणि याच्यावरनं एक पुढचा ब्रांच उदयास आला, ते म्हणजे सिस्टमॅटिक्स. द ब्रांच ऑफ स्टडी, वॉज रेफर्ड टू ऍज सिस्टमॅटिक्स. त्यांनी हायलाईट करून दिलाय, तुम्ही परत हायलाईट करा. ही जी ब्रांच आहे रिलेशनशिप स्टडी होतो त्याला म्हणायचं सिस्टमॅटिक्स. सिस्टमॅटिक्स, द वर्ड सिस्टमॅटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लॅटिन वर्ड. लॅटिन म्हणल्यावर कार्लस लिनियस. सिस्टिमा, सिस्टिमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना. किसने पहली बार मार्केट में लाया इस वर्ड को? इस बंदे ने, कार्लस लिनियस ने. क्यों? क्योंकि उसने एक बुक लिखा था जिसका नाम दिया था सिस्टिमा नेचरी. ओके, सिस्टिमा नेचरी एक बुक का नाम था और उसपे से ये सिस्टिमा वर्ड लिया गया. द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर एनलार्ज. बाद में उस सिस्टमैटिक्स के स्कोप एनलार्ज किए गए और उसमें जो पहले पढ़ाया गया था कि कैरेक्टराइजेशन छोड़ के बाकी तीनों प्रोसेस कौन है, वो तीनों प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन तीनों आते हैं. ओके, साथ ही ये लाइन मैंने कहा था लास्ट, उस पैराग्राफ की लास्ट लाइन है कि इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी काउंट करना है ऑर्गेनिज्म के सिस्टमैटिक्स में. ये पता करना है कि इंसान और एप के एंसेस्टर कहां पर कॉमन थे या कहां पर कॉमन एंसेस्टर हमने मंकी चिंपांजी गोरिल्ला के साथ शेयर किया था. यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है. ओके, एक बार आपके बुक पर ये करो, मतलब एक बार आपके बुक जो है उस पर हाइलाइटेड पॉइंट्स रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ना है हमें, मतलब एक ऑर्गेनिज्म में बघा थ्योरेटिकल टॉपिक पहला पैराग्राफ जो है त्याचा अर्थ समझून घेऊ, त्याच्यानंतर मग ते क्लासिफिकेशन कडे वळूयात आपण. चलो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्लासिफिकेशन ज्यावेळेला करूत ना आपण, आता आपल्याला बघायचं आहे की एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन करायचं असेल ना तर ती मल्टी स्टेप प्रोसेस असते. म्हणजे त्याच्यामध्ये स्पेसीज, जीनस, त्याच्यानंतर फॅमिली, क्लास, ऑर्डर हे सगळ्यांचे अर्थ कळतील, त्यानंतर फायलम किंवा डिव्हिजन आणि किंगडम हे सगळं तुम्हाला माहिती करायचं आहे. पण त्यात मला सांगायचं असं आहे, हे तुम्हाला आता कळून जाईल की स्पेसीज पासून किंगडम पर्यंत, म्हणजे त्याच्यामध्ये स्पेसीज, जीनस, फॅमिली, ऑर्डर, क्लास, फायलम, डिव्हिजन आणि किंगडम इतक्या सगळ्या स्टेप आहे. म्हणजे क्लासिफिकेशन ते माहीत होण्याच्या अगोदर तुम्हाला हे वाक्य कळायला पाहिजे की क्लासिफिकेशन कोणत्याही ऑर्गॅनिझमचं करायचं असेल तर ती काही एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नाहीये, तिथं हायरार्की आहे. हायरार्की म्हणजे एक विशिष्ट क्रम आहे खूप साऱ्या स्टेजेसचा. ओके, तो क्रम पण महत्वाचा आहे, त्या सगळ्या स्टेप्स किंवा ते सगळे टॅक्झॉन पण इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे कोणत्याही ऑर्गॅनिझमला क्लासिफाय करायचं असेल तर तुम्हाला त्या ऑर्गॅनिझमचा किंगडम कुठला आहे, त्याचा क्लास, त्याचा फायलम कुठला आहे, त्याचा क्लास कुठला आहे, ऑर्डर कुठला आहे, फॅमिली, जीनस आणि स्पेसिस इतक्या सगळ्या गोष्टी ठरवाव्या लागतात. म्हणजे क्लासिफिकेशन एका स्टेपमध्ये नाही होत, ती एक हायरार्की आहे. हायरार्की या शब्दाचा अर्थ होतो एक काय म्हणतात त्याला, एक विशिष्ट क्रमामध्ये लावलेल्या गोष्टी. तर ती एक हायरार्की आहे ज्याच्यामध्ये मल्टिपल लेवल्स असतात क्लासिफिकेशनच्या, आणि त्याची म्हणजे त्या सगळ्या लेवल तर इम्पॉर्टंट आहेतच पण त्याची सिक्वेन्स पण महत्वाची, की कशाच्या खाली काय आहे. म्हणजे किंगडमच्या खाली तिथे तुम्हाला फायलम येतो की क्लास येतो हे महत्वाचं आहे, तर फायलम येतो. ओके, तर हे सगळं ही हायरार्की आणि त्याची म्हणजे त्या हायरार्की मधले प्रत्येक टॅक्झॉनची सिक्वेन्स हे सगळंच इम्पॉर्टंट आहे. सो इट इन्वॉल्व्ह द हायरार्की ऑफ स्टेप्स. मल्टिपल स्टेप्स असतात इन विच इच स्टेप, हर स्टेप एक रँक या कॅटेगरी रिप्रेझेंट कर रहा है. सिन्स द कॅटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओव्हरऑल टॅक्झॉनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज द टॅक्झॉनॉमिक कॅटेगरी अँड ऑल कॅटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टॅक्झॉनॉमिक हायरार्की. म्हणजे प्रत्येक कॅटेगरीला टॅक्झॉनॉमिक कॅटेगरी किंवा टॅक्झॉन म्हटलं जातं, आणि स्पेसिस पासून किंगडम पर्यंत जे आपण शिकणार आहे त्या सगळ्या सिक्वेन्सला टॅक्झॉनॉमिक हायरार्की म्हटलं जातं. ओके, इच कॅटेगरी रेफर्ड टू ऍज युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. प्रत्येक कॅटेगरीला म्हणजे स्पेसिस असेल, जीनस असेल, याला युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन म्हटलं जातं. ओके, युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन म्हटलं जातं. इनफॅक्ट प्रत्येक त्या टॅक्झॉनला रँक पण असतो. इट रिप्रेझेंट्स द रँक अँड इज कॉमनली टर्म ऍज टॅक्झॉन, प्ल्युरल मध्ये टॅक्झा, अनेकवचनी टॅक्झा. बघा काय सांगितलं मी, क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नाहीये, त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या स्टेजेस, जी स्टेप्सची हायरार्की आहे, आणि त्या हायरार्की मध्ये त्या क्रमा एका विशिष्ट सिक्वेन्समध्ये
प्रत्येक स्टेप जी आहे त्याला एक रँक किंवा एक कॅटेगरी दिलेली आहे. ही कॅटेगरी टॅक्झॉनॉमिक अरेंजमेंटचाच पार्ट असल्यामुळे त्याला टॅक्झॉनॉमिक कॅटेगरी म्हटलं गेलंय. अँड ऑल दी कॅटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टॅक्झॉनॉमिक हायरार्की. याला टॅक्झॉनॉमिक हायरार्की म्हटलं जातं सगळ्या कॅटेगरीजला, स्पेसिस पासून किंगडमच्या. आणि कॉमनली टर्म ऍज टॅक्झॉन किंवा टॅक्झा, अँड टॅक्झॉन इज अ युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. माता यांनी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे की आपण कॅटेगरीज कशा करतो, तर आपण काही कॅरेक्टर्सवर बेस्ड त्या कॅटेगरीज करतो. जसे की इन्सेक्ट कोणाला म्हणायचं, असा जर प्रश्न आला की इन्सेक्ट कोणाला म्हणायचं, तर ज्यांच्यामध्ये थ्री पेयर्स ऑफ जॉईंटेड लेग्स असतील, ज्यांच्यामध्ये तीन पेयर्स ऑफ जॉईंटेड लेग्स असतील त्यांना इन्सेक्ट म्हटलं जातं. तर इन्सेक्ट ही एक कॅटेगरी आहे, पण त्याच्यात कोणाला टाकतो आपण, कॅरेक्टर्स कुठले, तर इन्सेक्ट ही हे त्या ऑर्गॅनिझम्सचा ग्रुप आहे ज्यांच्यामध्ये जॉईंटेड लेग्सचे, कारण ते ऑर्थ्रोपोड्स आहेत तर तिथं अपेंडेजेस जॉईंटेड असतील, जॉईंटेड लेग्सचे तीन पेअर असलेल्या ऑर्गॅनिझम्सच्या ग्रुपला इन्सेक्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, टॅक्झॉनॉमिक कॅटेगरीज अँड हायरार्की कॅन बी इलस्ट्रेटेड बाय अन एक्झाम्पल. इन्सेक्ट रिप्रेझेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम शेअरिंग कॉमन फीचर लाईक थ्री पेअर्स ऑफ जॉईंटेड लेग. थ्री पेअर्स ऑफ जॉईंटेड लेग याचा अर्थ काय झाला, इट मीन्स इन्सेक्ट्स आर रेकॉग्नायझेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कॅन बी क्लासिफाईड. म्हणजे इन्सेक्ट हा एक रेकॉग्नाइज होण्याजोगा एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट आहे. की आपण बरेच किडे पाहिले आहेत त्याच्यामध्ये मग तीन तीन पेअरचे लेग्स कोणामध्ये आहेत त्यांना पकडायचं, तो एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट झाला की अशा कॅरेक्टर असलेल्या ऑर्गॅनिझम्सला आपल्याला क्लासिफाय करायचंय आणि त्यांना इन्सेक्ट मध्ये क्लासिफाय केलं गेलं. अँड दस वेअर गिव्हन अ रँक अँड ऑर कॅटेगरी. त्याच्यामुळे त्यांना एक विशिष्ट रँक किंवा कॅटेगरी दिला जातो किंवा दिला गेला आहे. देन म्हणजे इन्सेक्ट कशामध्ये, तर इन्सेक्ट हा ऑर्डर आहे, इन्सेक्ट हा काय ऑर्डर आहे. तर मग त्या ऑर्डर मध्ये कोणाला ठेवायचं, तर ते सगळे किडे ज्यांच्यामध्ये तीन तीन पेयर लेग आहे, लेगचे तीन तीन पेयर आहेत. ओके, हा पॅराग्राफ थोडा कळायला अवघड जातो, नीट लक्ष द्यायच्या पुढं या टॉपिक मध्ये काही फार असं कळायला अवघड जाईल असं नाहीये. या पॅराग्राफचं डिस्क्रिप्शन तुम्हाला थोडस लेंदी वाटतं. तर अँड दस वेअर गिव्हन अ रँक ऑर कॅटेगरी कॅन यू नेम अदर सच ग्रुप्स. हा बहुत सारे, जसे की ह्युमन, एप, गिबॉन, गोरिला, इनका ऑर्डर क्या है, प्राइमेट है, या फिर कुत्ते बिल्लिया, इनका ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा है. तो अलग अलग कैरेक्टर पर बेस्ड हमने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, उन ग्रुप्स को कैटेगरी या रैंक दिए गए हैं, और वो जो ग्रुप्स बनाए गए हैं वो कुछ कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, और उस वजह से वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं जिनको क्लासीफाई किया जा सकता है. देन लास्ट लाइन है, सो ईच रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. मैंने कहा था दोबारा लाइन आएगी. सो ईच रैंक और टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरी, दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, नॉट मेरली द मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स. ओके, अभी बोर्ड पर जा रहे हैं. लास्ट लाइन आप भी एक बार पढ़ लो, मतलब समझाता हूं कि हर जो कैटेगरी है वो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है. मतलब हर जो टैक्सॉन है, हर जो कैटेगरी है, तो काही ऑर्गॅनिझमचा एक ग्रुप आहे. फक्त मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर्स नाही आहेत ते, म्हणजे ते थिओरटिकल नाही आहे, प्रॅक्टिकली ते ऑर्गॅनिझमचे ग्रुप आहे. म्हणजे स्पेसिस मध्ये प्रॅक्टिकली काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत, फक्त थिओरटिकल कॅरेक्टर्स नाही किंवा मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर्स आहेत, ऍग्रिगेशन नाही आहे. तिथे ऍक्च्युअली स्पेसिस मध्ये काही ऑर्गॅनिझम्स असतात, जिनस मध्ये काही ऑर्गॅनिझम्स असतात. डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज किंवा ऑर्गॅनिझम्स आपण प्रत्येक कॅटेगरी किंवा टॅक्झॉन मध्ये क्लासिफाय करतोय. आता तुम्हाला जर हे दोन पॅराग्राफ, म्हणजे याच्या पुढे काहीच कळायला प्रॉब्लेम येणार नाही, फक्त मी एवढं जे सांगितलं याच्यात काय नाही कळालंय किंवा काय मी परत सांगावं असं तुम्हाला वाटतंय. हायरार्की अभी आएगा बेटा, रेहान हायरार्की हमने शुरू ही नहीं किया है. यहां तक क्या फिर से बताना है, ठीक है? तो मैं एक बार आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर से हम इसे रिवाइज करेंगे. ओके, याला परत रिवाइज करणार आहे मी, ते जास्त बेटर समजेल ज्यावेळेला मी तुम्हाला क्लासिफिकेशन समजून सांगेल. सो क्लासिफिकेशन जब देखेंगे तब ये पैराग्राफ और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा. तो अभी रेहान आप पूछ रहे हो कि हायरार्की क्या होता है सर. तो हायरार्की मतलब मल्टीपल स्टेप्स की कोई भी ऐसी सीक्वेंस. ओके, मल्टीपल स्टेप्स की कोई भी सीक्वेंस, उसको हायरार्की कहा जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर हमें क्लासिफाई करना है ऑर्गेनिज्म को, तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते समय सबसे बॉटम में या सबसे छोटा जो टैक्सॉन होता है वो स्पेसिफाई करना होता है, जिसे कहा जाता है स्पीसीज. स्पीसीज क्या है? तो स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज
एंड दोज विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप ग्रुप की जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है. फंडामेंटल सिमिलैरिटीज मतलब वो दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, उनके फूड हैबिट्स एक जैसे होते हैं, उनके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस एक जैसे होते हैं, उनका मतलब जेनेटिकल लेवल पर भी काफी सिमिलैरिटीज होते हैं. तो ऐसा फंडामेंटल बेसिक सिमिलैरिटीज रखने वाले, साथ ही साथ जो एक दूसरे से इंटरब्रीट करने की एबिलिटी रखने वाले, मतलब रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखने वाले ऑर्गेनिज्म का ग्रुप यानी कि स्पेसीज. जैसे कि टाइगर एक स्पेसीज है, या ह्यूमन बींग्स एक स्पेसीज है, या फिर लायन लेपर्ड एक स्पेसीज है. ओके उसके बाद जो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज होते हैं, मतलब मिलते जुलते स्पेसीज, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज इज कॉल्ड एज जीनस. जीनस जैसे कि हमें पता है कि टाइगर एक स्पेसीज है, तो टाइगर किससे मैच करता है, तो टाइगर लायन से काफी क्लोजली रिलेटेड है, लेपर्ड से काफी क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए इन स्पेसीज का बन गया कौन, जीनस ग्रुप जो बन गया. उसके बाद जीनस जो है, जीनस के ऊपर कौन है, फैमिली. ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड एज, और जीनस का प्लूरल है जेनरा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा इज कॉल्ड एज फैमिली. अब ऐसे रिलेटेड रिलेटेड फैमिलीज से मिलके बनता है कौन, ऑर्डर. कौन बनता है, ऑर्डर. ऑर्डर से ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्डर मिलके बनता है क्लास. उसके बाद क्लास ऐसे मिलते जुलते क्लासेस, मतलब जो सिमिलर क्लासेस है, जैसे कि मतलब क्लासेस के ग्रुप को सिमिलर कहने की जगह यू कहो कि क्लासेस को एक कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, या सारे क्लासेस का मिलके बनता है एनिमल्स अगर है तो फाइलम. एनिमल्स अगर है तो फाइलम, और प्लांट में फाइलम नहीं होता है, प्लांट में डिवीजन होता है. एक एमसीक्यू यहीं पे कवर हो जाता है आपका. एनिमल्स में, एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में क्लास के ग्रुप को, क्लासेस के ग्रुप को डिवीजन कहा जाता है, और सॉरी फाइलम कहा जाता है, और एनिमल्स प्लांट में वो डिवीजन कहा जाता है. देन आगे ऊपर फाइलम के ऊपर कौन है, तो फाइलम के ऊपर है किंगडम. फाइलम के ऊपर कौन है, किंगडम. ओके अतः याची सिक्वेंस लक्षात ठेवण्यापूर्वी, सिक्वेंस लक्षात ठेवण्यासाठी एक निमोनिक आहे. निमोनिक काय आहे, किंग अँड प्रिन्स. किंग अँड प्रिन्स म्हणजे राजा आणि राजकुमार केम ओव्हर हा किंग अँड प्रिन्स केम ओव्हर फाइनली, फाइनली टू टेस्ट गुड सूप. ये निमोनिक याद रखना है. देखो किंग यानी राजा, और उसका जो राजकुमार होता है केम ओवर, वो आए हैं फाइनली टू टेस्ट. टू टेस्ट का कुछ भी नहीं, सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट किया गया है, टू टेस्ट दी गुड सूप, गुड क्वालिटी सूप टेस्ट करने के लिए वो आए हैं. ये उस ये निमोनिक है वहां का. तो किंग म्हणजे राजा आणि प्रिन्स आलेत गुड क्वालिटीचं सूप टेस्ट करण्यासाठी. सिक्वेन्स किंगडम फाइलम, यहां पर याद रखना है सिर्फ प्लांट रहा तो डिवीजन रहेगा, क्लास ऑर्डर फैमिली, उसके बाद जीनस और स्पीसीज. ये सिक्वेंस है. ओके आगे बढ़ते हैं. सबसे छोटा टैक्सॉन कौन है, स्पीसीज. एक स्पीसीज मतलब इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटी, जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होते हैं, जो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ऐसे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से मिलके बनता है जीनस, ऐसे क्लोजली रिलेटेड जेनरा से मिलके बनता है फैमिली, फैमिलीज से, फैमिलीज की ग्रुप को कहा जाता है ऑर्डर, ऑर्डर्स की ग्रुप को कहा जाता है क्लास, और क्लास मिलकर एनिमल्स में फाइलम बनाते हैं, प्लांट में डिवीजन बनाते हैं, और सारे फाइलम मिलके बनता है किंगडम. ओके किंगडम आता हे जनरली असं असतं. ओके किंवा एनसीईआरटी तसं दिलेलं आहे, किंवा मोस्ट ऑफ द ठिकाणी एवढ्या स्टेप्स इम्पॉर्टंट आहे, पण याचा अर्थ असा नाही की क्लासिफिकेशन मध्ये एवढ्या स्टेप असतात म्हणून. जसं की स्पेसिसच्या खाली सब स्पेसिस असतात, व्हरायटीज असतात त्या टाईपचं, किंवा इथे मध्ये ट्राईब्स असतो. किंगडमच्या वरती पण काही आहे का, तो हो आहे, डोमेन आहे किंगडमच्या वरती, म्हणजे किंगडमच्या वरती डोमेन असतं, पण एनसीईआरटी मध्ये ही सिक्वेन्स दिलेली आहे म्हणून तुम्हाला हेच लक्षात ठेवायचं आहे. तुम्हाला त्या एक्स्ट्राच्या कॅटेगरीज लक्षात नाही ठेवायचे, पण त्या असतात. जसं की स्पेसिस मध्ये सब स्पेसिस असतात, किंवा
किंवा फॅमिलीमध्ये सब फॅमिलीज असतात किंवा किंगडमच्या वरती डोमेन असतो, तर हे एक्स्ट्रा आहेत पण तुम्हाला ते लक्षात ठेवायचं नाही. तुम्हाला एनसीईआरटी लक्षात ठेवायची, किंग अँड प्रिन्स केम ओवर फायनली टू टेस्ट द गुड सूप, उसमें टेस्ट टू टेस्ट कुछ भी नहीं है. ओके चलो वन बाय वन अब आगे बढ़ते हैं. तो हायरार्की मतलब क्या, देखो भाई ये अकेला जो स्टेप है दिस इज टैक्सॉन, ये टैक्सॉन है, ये टैक्सॉन है, ये टैक्सॉन है, हर टैक्सॉन को रैंक है. मतलब जैसे कि जीनस ऊपर का रैंक हुआ, फैमिली को उसके ऊपर रैंक है, और ये जो सीक्वेंस है सारे टैक्सॉन के मिलके इसे कहा जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की. रेहान समझ में आया, दिस इज द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस. ओके कहां से, स्पेसिस से लेके किंगडम तक. यहां तक क्या डाउट है पोस्ट कर दो, किसी को डाउट नहीं आ रहे है. त्याचं कारण माहिती मला, मी बारी शिकवत होते. सर मुझे सिर्फ हिंदी समझ आती है, सिंह अमान. तो भाई मैं ये क्या बोल रहा हूं, मलयालम बोल रहा हूं मैं, मुझे सिर्फ हिंदी समझ में आती है, तो हिंदी तो है ये. चलो ओके आगे बढ़ते हैं. आता बघा आपल्याला हे एक एक जो टॅक्झॉन आहे, हा एक एक टॅक्झॉन आपल्याला थोडा सविस्तर बघायचा आहे, डिटेल बघायचा आहे. एक एक टॅक्झॉन मध्ये आपल्याला आता आज जायचं, डिटेल बघायचं. आपण स्पेसिस पासून सुरुवात करून किंगडम पर्यंत पोहोचणार आहोत, फार जास्त डोक्याला ताण येणार नाहीये तुमच्या. चलो सुरुवात करते स्पेसिस से. दी हुई हायरार्की में सबसे बेसिक टॅक्झॉन है स्पेसिस, और जिसके बारे में मैं कह चुका हूं कि इट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी, जिनके फंडामेंटल कैरेक्टर सिमिलर है, फंडामेंटल सिमिलरिटीज. और एक लाइन जो एनसीईआरटी ने वहां पर मेंशन नहीं किया है कि दोज विच कैन इंटरब्रीड अमोंग देमसेल्स, जो उन एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो फंडामेंटल सिमिलरिटीज और इंटरब्रीडिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को कहा जाता है स्पीसीज. ओके जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट. सुपर निमोनिक सर, यस थैंक यू बेटा. डिविजन च्या नंतर काय येईल, ऑर्डर येईल ना, सॉरी क्लास येईल. क्लास इज कॉमन, क्लास इज कॉमन. फक्त डिविजन म्हणायचं प्लांट मध्ये आणि फायलम म्हणायचं ऍनिमल मध्ये. तर चलो फंडामेंटल सिमिलरिटीज अँड जो एक दुसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को स्पीसीज कहा जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर कुछ नाम दिए गए हैं, साइंटिफिक नाम, मैंगीफेरा. आगे का आप प्रोनाउंस करो अपने आप, बोलो इंडिका. सेपरेटली अंडरलाइन है, जीनस की शुरुआत कैपिटल लेटर से, स्पेसिफिक एपिथेट की स्मॉल लेटर से है. पैंथेरा इज अ जीनस एंड लियो लग गया, मतलब ये लायन का स्पेसीज हुआ, लायन. ओके उसके बाद पैंथेरा, या फिर उस पर मैं बाद में आता हूं एक्चुअली. उसके बाद यू कहो इंसानों का होमो सैपियंस, होमो सैपियंस ये हमारी स्पीसीज है, होमो सैपियंस. अब ये पहला नाम जीनस का है, दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट का है. जीनस का नाम अगर उस जीनस में एक से ज्यादा स्पीसीज है, मतलब एक से ज्यादा स्पीसीज का अगर ग्रुप हो गया तो जीनस का नाम रिपीट हो सकता है. जैसे कि पैंथेरा, ये जो जीनस है इस पैंथेरा में लियो के साथ साथ पैंथेरा टाइग्रिस, सॉरी स्मॉल लेटर, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा पार्डस, ऐसे दो स्पीसीज है. मतलब पैंथेरा जीनस का नाम है जो लियो के आगे, लियो से पहले भी आ रहा है, टाइग्रिस से पहले भी आ रहा है और पार्डस से पहले भी आ रहा है, क्योंकि लायन, टाइगर एंड लेपर्ड ये तीनों एक ही जीनस के मेंबर है, ये तीनों एक ही जीनस के मेंबर है जिसका नाम है सोलेनम. इसलिए जीनस का नाम रिपीट हो सकता है. इसी का दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है, सोलेनम ये जो जीनस है उसमें सोलेनम ट्यूबरोजम, सोलेनम ट्यूबरोजम, सोलेनम नाइग्रम एंड सोलेनम मेलांजेना, ये तीन स्पीसीज है. सोलेनम जीनस है, ट्यूबरोजम सोलेनम ट्यूबरोजम म्हणजे पोटॅटो बटाटा, सोलेनम नाइग्रम म्हणजे ते त्याला
म्हणजे काळा धोत्रा असं म्हणतात काही ठिकाणी, असे छोटे छोटे ब्लॅक कलरचे फ्रुट्स येतात त्याला. ओके, तर सोलॅनम नायग्रम आणि मेलॅंजना, सोलॅनम मेलॅंजना मतलब ब्रिंजल, आपलं वांग जे असतं लांब लांब वांग जे असतं ना ते सोलॅनम मेलॅंजना आहे. तो ये तीनों स्पीसीज सोलॅनम जीनस के मेंबर है, इसलिए सोलॅनम तीनों के नाम में आ रहा है. सोलॅनम ट्यूबरोसम पोटैटो लिहून घ्या तिथं ज्यांना लक्षात नाही राहते. तर सोलॅनम सोलॅनम नायग्रम मतलब सोलॅनम नायग्रम मतलब ते ब्लॅक कलरचे तसले फ्रुट्स येतात तसं त्याला काळा धोत्रा असं पण म्हणतात. आणि मेलॅंजना, हे तीनों स्पीसीज एक ही जीनस के मेंबर इसलिए तीनों के नाम में सोलॅनम आता है. अब आगे बढ़ते हैं स्पेसिस के बारे में. यहां तक दिस इज इट ऑल अबाउट द स्पेसिस. फंडामेंटल सिमिलरिटीज होनी चाहिए, इंटरब्रीड करते हैं एक दूसरे के साथ. जैसे कि ये नाम है मेलेंजना पैंथेरा लियो, सॉरी मैंगीफेरा इंडिका पैंथेरा लियो होमोसेपियंस सोलेनम ट्यूबरोसम नाइग्रोसम एंड मेलेंजना. ओके, अब आगे बढ़ता हूं. स्पेसिस के बाद क्या आया, हे जेवढ्या वेळा म्हणसाल तेवढं पक्क होऊन जाईल ते. ओके, जीनस. जीनस क्या है, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. जो स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड है उसे जीनस कहा जाता है. जैसे कि पैंथेरा लियो टाइग्रिस और पैंथेरा पार्डस, ये तीनों क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है. लायन टाइगर आणि लेपर्ड, या फिर सोलॅनम नायग्रम मेलॅंजना एंड ट्यूबरोसम पोटैटो देन ते लांब वांग आणि नायग्रम जो होता है काळा धोत्रा म्हणतात असे छोटे छोटे फ्रूट्स येतात त्याला ब्लॅक कलरचे. तो ये एक जीनस में मल्टीपल स्पीसीज आ सकते हैं और जितने स्पीसीज उस जीनस के मेंबर है स्पीसीज जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं जिसमें सिमिलैरिटीज होते हैं. आता एक सिंपल प्रश्न आहे, परत एक वेळा हायरार्कीची निमोनिक रिपीट करा. किंग अँड प्रिन्स केम ओव्हर फायनली टू टेस्ट गुड सूप. ओके, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज में ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगे या मेंबर्स ऑफ सेम जीनस के जीनस में ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगे. मतलब दो ऑर्गेनिज्म है जो एक जीनस शेयर करते हैं और दो ऑर्गेनिजम्स है जो एक ही स्पीसीज के मेंबर है, तो क्या लगता है आपको किसमें ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगे, जो एक ही जीनस के मेंबर है उनमें या जो एक स्पीसीज के है उनमें. ये क्वेश्चन है, जवाब आने तक रुकता हूं. जास्त करेक्ट आहे कारण बायनॉमियल नॉमेनक्लेचरच्या डेफिनेशन मध्ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मध्ये जीनस प्लस स्पेसिस नाही आहे मित्र, ते स्पेसिफिक इपिथेट आहे. कारण बायनॉमियल नॉमेनक्लेचरच ऍक्च्युली एका स्पेसिसचं नाव आहे, ते जीनसचं आणि स्पेसिसचं असं नाव नाही आहे, ते पूर्ण एका स्पेसिसचं नाव आहे. त्याच्यात पहिला नाव पहिला कॉम्पोनंट जो आहे तो जीनस रिप्रेझेंट करतो, दुसरा कॉम्पोनंट स्पेसिफिक इपिथेट रिप्रेझेंट करतो. येस, मतलब आप समझ रहे हो. चलो, व्हेरी गुड. के एक स्पेसीज के मेंबर्स में ज्यादा सिमिलैरिटीज होते हैं कंपेयर टू द मेंबर्स ऑफ सेम जीनस. और ये सेंटेंस हर लेवल पे है, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे नीचे से वैसे वैसे सिमिलैरिटीज जो है वो कम होते जाएंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइगर एक स्पेसीज के मेंबर है, तो टाइगर विथ टाइगर शोज मोर सिमिलैरिटीज देन अ टाइगर विथ लायन. एक टाइगर दूसरे टाइगर से ज्यादा सिमिलर है देन अ टाइगर विथ लायन. मतलब क्या है कि टाइगर और टाइगर एक स्पीसीज के मेंबर है, उनमें ज्यादा सिमिलैरिटीज होते हैं देन द टाइगर विथ लायन, मतलब एक जीनस के मेंबर्स है. ओके, सो मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज हैव मोर सिमिलैरिटीज देन द मेंबर्स ऑफ सेम जीनस. जैसे कि टाइगर दूसरा टाइगर शी जास्त सिमिलर आहे देन द टाइगर विथ लायन, कारण टाइगर एंड लायन एक जीनस शेयर करता है, टाइगर एंड टाइगर एक स्पीसीज के मेंबर है. सेम इज ट्रू फॉर लायन एंड लायन देन द लायन एंड लेपर्ड. तो लेपर्ड और लायन से लायन एक दूसरे से सिमिलैरिटीज है इसलिए तो जीनस शेयर कर रहे हैं, लेकिन नॉट उस मतलब नॉट एज दैट मच एज दैट ऑफ द लायन विथ लायन. लायन के लायन से और लायन के लेपर्ड से दोनों से सिमिलैरिटी, लेकिन लायन विथ लायन इज मोर सिमिलर देन द लायन विथ पार्डस या लेपर्ड. ओके, तो पॉइंट इज दैट के एक स्पेसीज के मेंबर एक दूसरे से ज्यादा सिमिलरिटीज दिखाते हैं देन द मेंबर्स ऑफ सेम जीनस.
वैसे ही मेंबर्स ऑफ सेम जीनस आर मोर सिमिलर विथ ईच अदर देन द मेंबर ऑफ सेम फैमिली, वैसे ही मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली आर मोर सिमिलर विथ ईच अदर देन द मेंबर्स ऑफ सेम ऑर्डर। जैसे जैसे ऊपर जाओगे सिमिलैरिटीज कम होते जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हर टैक्सॉन में बढ़ते जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या टैक्सॉन का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा और सिमिलैरिटीज कम होते जाएंगे। जैसे कि स्पीसीज में सिर्फ टाइगर थे, लेकिन जीनस में टाइगर के साथ लायन और लेपर्ड भी आ गए, मतलब मेंबर बढ़ गए, सिमिलैरिटीज कम हो गए। फैमिली में सिर्फ मतलब जीनस में बिग कैट्स थे, टाइगर लायन एंड लेपर्ड, लेकिन अब जो फैमिली पढ़ाऊंगा तो जो फैमिली वहां पर फेलिडी नाम की फैमिली में पढ़ाऊंगा उसमें बिग कैट के साथ स्मॉल कैट भी आते हैं, हमारे घरों में जो पाई जाने वाली बिल्लियां हैं वो भी वहां पे आते हैं। तो हम अब बढ़ते हैं फैमिली पर। फैमिली याद रखना, क्लोजली रिलेटेड या सिमिलर फीचर्स दिखाने वाले जेनरा का ये ग्रुप होता है फैमिली, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते समय वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स कंसिडर होते हैं, मतलब फैमिली में क्लासिफाई करते समय उस ऑर्गेनिज्म के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स कंसिडर होते हैं, ये लाइन है पूछी जाती है एमसीक्यू में। तो मेंबर ग्रुप्स ऑफ क्लोज और क्लोजली रिलेटेड जेनरा फॉर्म द फैमिली, जैसे कि क्लोजली रिलेटेड जेनरा देखो, पैंथेरा इज अ जेनरा ऑफ व्हाट, पैंथेरा इज अ जेनरा ऑफ बिग कैट्स। बिग कैट्स आता तुम्ही डिस्कवरी किंवा नॅशनल ज्योग्राफी जर बघत असाल तर त्याच्यावरती बिग कॅट्स नावानं डॉक्युमेंटरीज चालतात, मग त्याच्यामध्ये आपल्याला कधी टायगर विषयी दाखवलं जातं, कधी लायन विषयी दाखवलं जातं, कधी ते चित्ता विषयी किंवा लेपर्ड विषयी दाखवलं जातं। तर हे जे पॅन्थेरा आहे किंवा यांचे जे मेंबर आहे टायगर लायन लेपर्ड, हे बिग कॅट्स म्हटलं जातं यांना, ओके, त्यांना म्हटलं जातं बिग कॅट्स। आणि हे काय झालं पॅन्थेरा, ओके, आणि अशा स्मॉल कॅट ज्या आपल्या घरातल्या मांजरी आहेत त्यांना म्हटलं जातं, त्यांचा जो जेनर आहे त्याला म्हटलं जातं फेलिस। पॅन्थेरा और फेलिस हे दो अलग अलग जेनर आहे, पॅन्थेरा इज अ जेनरा ऑफ बिग कॅट्स और फेलिस इज अ जेनरा ऑफ स्मॉल कॅट्स, और बिग कॅट्स प्लस स्मॉल कॅट्स इनकी फॅमिली बनती है फेलिडी। लक्षात ठेवा असं शेवटी एई असतं फॅमिलीच्या नावामध्ये, मॅक्झिमम ठिकाणी ट्रिक आहे, तर फेलिडी फॅमिली के नाम में आखिर में एई लगता है सफिक्स जो है, तो फेलिडी। पॅन्थेरा पर प्लस फेलिस फॉर्म्स दी फेलिडी, याला काय म्हणायचं फेलिडी। वैसे ही प्लांट में एक फॅमिली है जिसका नाम है सोलानसी। सोलानसी इसमें कौन से जेनेरा आते हैं, तो इसमें हमारा जो पहले हमने जीनस के वक्त पढ़ा था पोटैटो ब्रिंजल का जेनेरा सोलानम, उसके बाद पेटूनिया, पेटूनिया एंड दतुरा, ये तीन जेनेरा आते हैं प्लांट के, दतुरा पेटूनिया एंड सोलानम। एसपीडी, एसपीडी जो है वो सोलानसी के मेंबर है, एस फॉर सोलानम, पी फॉर पेटूनिया एंड डी फॉर दतुरा, किंवा याला डीएसपी पण लक्षात ठेवू शकता तुम्ही, डीएसपी, ओके। तर दतुरा सोलानम आणि पेटूनिया हे सोलानसी फॅमिलीचे मेंबर आहे, फेलिस आणि पॅन्थेरा हे फेलिडी फॅमिलीचे मेंबर आहे, जिनस पासून फॅमिलीज बनत असतात। पुढे ओके, आता फॅमिली जवळ आल्या किंवा फॅमिलीचा जो ग्रुप असतो आता सिमिलॅरिटीज कमी होत जातात जसं जसं वरती जातो आपण, तो उसे ग्रुप ऑफ फॅमिलीज इज कॉल्ड एज ऑर्डर। उसे क्या कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर में क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आते हैं जैसे कि, और सिमिलैरिटीज कम ही, काफी कम सिमिलैरिटीज होते हैं क्योंकि हम काफी ऊपर आ गए उस हायरार्की में। जैसे कि अब सोलानसी नाम की एक फैमिली है जो अभी हमने पढ़ा, जिसमें पेटूनिया दतुरा और सोलानम जेनरा है, सोलानसी, और दूसरी एक फैमिली है कॉर्नवॉल उलासी। सोलानसी एक प्लांट की फैमिली है, कॉर्नवॉल उलासी एक प्लांट की फैमिली है, तो सोलानसी एंड कॉर्नवॉल उलासी इनका इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स पर बेस्ड, इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स यानी फ्लावर्स के जो कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे से सिमिलैरिटीज दिखाते हैं, इस पर बेस्ड सोलानसी और कॉर्नवॉल उलासी को पॉलीमोनियल्स इस ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। पॉलीमोनियल सोलानसी एंड कॉर्नवॉल उलासी, ये सब कुछ एनसीईआरटी के लाइन है, पढ़ते समय रिपीट होंगे, यहीं पे रट लो। तो सोलानसी एंड कॉर्नवॉल उलासी आर द मेंबर्स ऑफ फैमिली पॉलीमोनियल्स, ओके। तसच आता
फेलिडी ही जी फॅमिली होती फेलिडी, त्याच्यामध्ये कोण येतं, मांजरी येतात मोठ्या आणि छोट्या, बिग कॅट्स और स्मॉल कॅट्स. फेलिडी के साथ दूसरी कौन सी फैमिली मैच करती है, तो कुत्तों की फैमिली. कुत्तों बिल्लियां, कुत्ते और बिल्लियां दोनों भी कार्निवोर्स होते हैं, मांस खाते हैं, त्यांची अडॅप्टेशन तसे असतात. तो फेलिडी के साथ कैनिडी नाम की कुत्तों की फैमिली है. फेलिडी में सारे कैट आते हैं, कैनिडी में डॉग आते हैं, और ये सारे के सारे कार्निवोर्स है, मांस खाण्यासाठी ते अडॅप्टेड असतात, म्हणून त्यांचा ऑर्डर झाला कार्निवोरा. काय ऑर्डर झाला तो कार्निवोरा. फेलिडी आणि कॅनिडी, फेलिडी में कौन है कॅट और कॅनिडी में कौन है डॉग. ओके यस कृष्णा, आपण ते निमोनिक्स आता इकडे नाही सांगतायत ना, ते वर्गातले निमोनिक्स आहेत. ओके तुला बरं आठवलं ते मागच्या वर्षीचा, नाही 2 वर्षापूर्वी सांगितलं असेल मी निमोनिक तुम्हाला तुमच्या 11th ला. यस तर असो सोल्यानसी फेलिडी आणि कैनिडी. फेलिडी इज अ कैट, कैनिडी डॉग की फैमिली, और इन दोनों का मिलके बनता कौन है कार्निओरा बनता है. क्या बनता है कार्निओरा. ओके कार्निओरा जो है ये कार्निओर्स मेंबर है इसमें, मतलब सारे के सारे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का फ्लेश खाके जिंदा रहते हैं. ओके अब ऑर्डर से मिलके क्या बनेगा, तो ऑर्डर से मिलके बनेगा, याद रखना ऑर्डर्स का जो ऑर्डर जो बनता है वो एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स पे बनता है. किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के कैरेक्टर्स अगर मैच हो गए तो उनको ऑर्डर में क्लासिफाई कर दिया जाता है. जैसे कि फ्लोरल कैरेक्टर मैच हो गए, इनका एक ऑर्डर बन गया, क्योंकि इतने ऊपर के लेवल पर काफी कुछ सिमिलरिटीज बचते नहीं है अब. ओके देन लक्षात ठेवा, आपण सुरुवातीला एकदम जे ड्राय वाटतात ना टॉपिक तुम्हाला ते घेतोय बरं का, म्हणजे फिजिओलॉजी वगैरे ते टॉपिक इंटरेस्टिंग वाटतात, ते बऱ्याच जणांचे चांगले पण असतात. मी सुरुवातीला जे ड्राय वाटतात टॉपिक, जसं की हे पहिलं युनिट किंवा त्याच्यानंतर दुसरं जे युनिट आहे मॉर्फॉलॉजी अनाटॉमी, मॉर्फॉलॉजी अनाटॉमी पेक्षा पण स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन काही मुलांना डिफिकल्ट जातो, तर ते टॉपिक आपण अगोदर घेतोय. ओके तर त्याच्यामुळे हे टॉपिक आत्ताच परफेक्ट करून घ्या माझ्यासोबतच, त्याला पेंडिंग ठेवू नका. पुढे ते टॉपिक जे आहेत नंतर, म्हणजे तुम्हाला जेनेटिक्स असेल किंवा ह्युमन फिजिओलॉजी, प्लांट फिजिओलॉजी, त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट येतो, पण ते टॉपिक जे आहेत ते आपण सुरुवातीला घेत नाहीये, कारण बऱ्याच जणांना ते व्यवस्थित मेमराईज झालेले असतात, त्यांचे व्यवस्थित झालेले असतात. सुरुवातीला जे टॉपिक बाय मॅक्झिमम लोकांना अवघड जातात ते घेतोय मी. ओके सो आगे बढते हैं, कहां तक आए हम, ऑर्डर. ऑर्डर के बाद क्या है, फिर से एक बार निमोनिक. किंग एंड प्रिंस केम ओवर फाइनली टू ईट गुड सूप, फॉर द गुड सूप. सो ये जो है जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर हो गया. उसके बाद क्या है क्लास. तो अर्थात सिंपली जे एनसीईआरटी दिले तेवढं लक्षात ठेवा, आपण कोणता ऑर्डर बघितला कार्निओरा. कार्निओरा मध्ये कोण येतं, सगळे कार्निओर्स, त्याच्यामध्ये बिग कॅट, स्मॉल कॅट आणि डॉग्स. ऐसा ही दुसरा ऑर्डर है प्राइमेटा. दुसरा कौन सा ऑर्डर है प्राइमेटा. प्राइमेट्स मध्ये कोण येतात, तर प्राइमेट्स मध्ये ह्यूमन, त्याच्यानंतर गिबॉन्स, त्याच्यानंतर गोरिला, चिंपांजी, हे सगळे प्राइमेटा मध्ये येतात. आणि कार्निओरा मध्ये सगळे हे ऑर्गॅनिझम्स येतात. ओके सर बट दिस टॉपिक इज, यस बेटा दिस इज इजी, इसके बाद जो आने वाले उनकी बात कर रहा हूं मैं, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या हमने वो फिजियोलॉजी से इधर क्यों शिफ्ट हो गए, तो ये काफी आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं एक्चुअली याद रखने जैसा. इसके बाद जो होते हैं जैसे कि किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया में काफी कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स होते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कॉकरोच काफी लोगों को दिक्कत देता है इसलिए हमने. ओके सो कार्निओरा एंड प्राइमेटा. तो कार्निओरा जो है उसमें सारे कार्निओरस और प्राइमेटा मध्ये ह्यूमन, देन चिंपांजी, गोरिला, गिबॉन, हे सगळे माकडांचे टाइप्स आहेत. ओके और ह्यूमन, ये दोनों ऑर्डर्स एक साथ आके क्लास बनाते हैं मॅमॅलिया. मॅमॅलिया कारण हे सगळे सस्तन प्राणी आहे, या सगळ्यांमध्ये म्हणजे तुम्ही बिग कॅट्स, स्मॉल कॅट्स, त्याच्यानंतर डॉग्स, त्याच्यानंतर हे मग प्रायमेट्स मध्ये मंकी, एप, गोरिला, चिंपांजी सगळ्यांना ऑब्झर्व करा, यांचे कान बाहेर आहेत, त्यांच्या बॉडीवर हेअर आहेत, फिमेल मध्ये मॅमरी ग्लँड आहे म्हणून ते मॅमलचे मेंबर आहेत. क्लासेस एकत्र आले पोरांनो, क्लासेस एकत्र आले की त्यांच्यापासून ॲनिमल्स मध्ये काय बनतं फायलम, ॲनिमल मध्ये काय बनतं फायलम, आणि प्लांट्स मध्ये बनतं डिव्हिजन. ॲनिमल मध्ये फायलम आणि प्लांट मध्ये डिव्हिजन. जसं की फायलम
कॉर्डॅटा ज्यांच्या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस मध्ये नोटोकॉर्ड बनतो. नोटोकॉर्ड हे असं एक छोटस रॉड लाईक स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस मध्ये बनतं की जे नंतर तुमचा हॉलो डॉर्सल नर्वस सिस्टीम फॉर्म करत असतं, म्हणजे आपला ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड ज्याच्यापासून बनतो त्याचा जो प्रिकर्सर असतो त्या प्रिकर्सरला नोटोकॉर्ड असं म्हटलं जातं. तर फायलम कॉर्डॅटा ये जो है ये कॉर्डॅटा में कौन से ऑर्गॅनिझम्स आते हैं, कौन से क्लास आते हैं, तर मॅमल्स त्याच्यामध्ये येतात, मॅमॅलिया. उसके बाद रेप्टाइल्स उसमें आते हैं, रेप्टिलिया. उसके बाद एव्स म्हणजे पक्षी आणि एम्फीबियंस. एम्फीबियंस ये सब कुछ उसमें आता है, म्हणजे मॅमल्स, रेप्टाइल, एव्स किंवा बर्ड्स आणि बर्ड्स आणि एम्फीबियंस. एम्फीबियंस म्हणजे उभयचर, जे पाण्यात आणि जमिनीवर दोन्हीकडे राहण्याची ऍबिलिटी ज्यांच्यामध्ये असते त्यांना कॉर्डॅटा, कॉर्डेट्स असं म्हटलं जातं. कारण त्यांच्या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस मध्ये नोटोकॉर्ड नावाचा एक छोटासा रॉड लाईक स्ट्रक्चर बनत असतो ज्याच्यापासून भविष्यात हॉलो डॉर्सल नर्वस सिस्टीम डेव्हलप झालेली असते. सो क्लास क्लास मे फायलम कॉर्डॅटा जो है वो सॉरी फायलम जो है वो क्लासेस का ग्रुप है, जिसमें कॉर्डॅटा ये जो फायलम है वो मैमल्स, मैमलिया, रेप्टेलिया, एव्स या बर्ड्स और एम्फीबियंस के ग्रुप से बनता है. आगे बढ़ते हैं. अब ऐसे फाइलम मिलके बनता है कौन, किंगडम. मतलब सारे फाइलम मिलके फाइनली बनता है किंगडम, किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सारे एनिमल्स आते हैं, या किंगडम प्लांटी. इथे संपलं हे हायरार्की. म्हणजे आपण एक ब्रीफ रिव्हिजन जर करायचं झालं तर स्पेसिस, देखो सब कुछ यहां पर बता दे रहा हूं, जो दो से तीन मतलब वहां पर पैराग्राफ्स जो दिए गए हैं. देखो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एंड विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ. जैसे कि पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ये जो है ये स्पीसीज है लायन, टाइगर और पार्डस के. क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का क्या बनता है, जीनस. जैसे कि ये तीनों स्पीसीज रिलेटेड है इसलिए पैंथेरा क्या है, जीनस है. आगे बढ़ते, क्लोजली रिलेटेड जेनरा का क्या बनता है, फैमिली. तो फैमिली में जेनरा आते क्लोजली रिलेटेड. तो पैंथेरा यानी कैट्स का जेनरा है, पैंथेरा यानी बिग कैट्स का जेनरा है, और उसमें स्मॉल कैट्स आ गए, दोनों का मिलके बन गया क्या, फेलिडी फैमिली बन गई. उसके बाद फैमिलीज मिलके क्या बन रहा है, ऑर्डर बन रहा है. क्या बन रहा है, ऑर्डर बन रहा है. तो ये ऑर्डर पैंथेरा और फेलिस ऐसे दो जेनरा का मिलके फेलिडी फैमिली बना था. फेलिडी प्लस कैनिडी बना कौन ऑर्डर, तो कार्निओरा, कार्निओरा. ओके, ऑर्डर से मिलके क्या बनता है, क्लास बनता है. तो कार्निओरा प्लस प्राइमेटा क्या बना, मैमेलिया बना. क्लास मिलके क्या बनाते, फाइलम. तो कौन सा मतलब मैमेलिया, उसके बाद एव्स, उसके बाद रेप्टाइल, उसके बाद एम्फीबियंस, ये सब मिलके फाइलम कॉर्डेटा, और फाइलम मिलके बन रहा है क्या, किंगडम बन रहा है. ओके, सो दिस इज इट ऑल अबाउट द सिक्वेन्स. इथपर्यंत काय कळालं नाही ते मला एक वेळेला सांगा. देखो पटापट हायलाइट करून घ्या, आता उचला तुमचा हायलाइटर, शस्त्र अस्त्र उचला, एक गहरी सांस लो, क्रिस्टल क्लियर. यस, थैंक यू. किसी को कुछ दिक्कत भाई अब तक, तो जो हमने पढ़ा है उसी को रिवाइज कर रहे हैं एनसीईआरटी से, अपने अपने हाइलाइटर उठा लो. सो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स देखो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज. फंडामेंटल सिमिलैरिटीज रखने वाले जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है उसे स्पेसिस कहा जाता है. और यहां पर पॉइंट ऐड करना कि स्पेसिस के मेंबर्स एक दूसरे से इंटरप्रेट कर सकते हैं. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस. क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस को वो हमें डिफरेंशिएट करते आना चाहिए ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. वो दिखने में जो थोड़े बहुत अलग होते हैं, जैसे कि लेपर्ड और शेर, या वो जो दिखने में थोड़े बहुत उनमें डिफरेंसेस होते हैं उन पर बेस्ड हमें उनको सेपरेट करते आना चाहिए. लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका सोलेनम ट्यूबरोसोम यानी कि पोटैटो एंड पैंथेरा लियो यानी कि लायन. ऑल थ्री नेम्स मतलब इसमें जो पहले तीन नाम है क्या, मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये जीनस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और
इंडिका, उसके बाद ट्यूबरोसोम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट जो हर स्पेसिस के लिए स्पेसिफिक होता है, व्हाइल द फर्स्ट वर्ड यानी कि मैंगिफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा रिप्रेजेंट द जेनेरा। देन ओके, ईच जीनस मे हैव वन और मोर स्पीसीज, मोर देन वन स्पीसीज, हर जीनस में एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकते हैं। सो ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग द मॉर्फोलॉजिक सिमिलरिटीज। फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस, सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक सोलेनम नाइक्रम एंड सोलेनम मेलेंजना तिलाम वांग। उसके बाद ह्यूमन बींग बिलोंग्स टू द स्पीसीज होमोसेपियंस, होमोसेपियंस हमारी स्पीसीज है ओके, जिसमें सेपियंस स्पेसिफिक एपिथेट है और जीनस जो है वो होमो है, जीनस जो है वो होमो है, सेपियंस स्पेसिफिक एपिथेट है। देन तो इस वजह से हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो क्या हो गया, होमो सेपियंस हो गया, होमो सेपियंस हो गया जीनस। पटापट वाचा, जीनस कॉम्प्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जो स्पीसीज रिलेटेड है जिनमें सिमिलरिटीज होते हैं उसे कहा जाता है जीनस, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। आता या वाक्यावर कन्फ्यूज होऊ नका, बघा वाक्य काय ते, जीनस कॉम्प्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अनदर जेनेरा, मतलब एक जीनस में जो स्पीसीज है उनके एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलरिटीज रहते हैं देन द स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा, मतलब दो जेनेरा है तो एक जेनेरा के अंदर जितने स्पीसीज है, जैसे कि जेनेरा है पैंथेरा, पैंथेरा के अंदर टाइगर है, लायन है और लेपर्ड है, वो एक दूसरे से ज्यादा मैच करते हैं देन द मेंबर्स ऑफ जेनेरा फेलिस, फेलिस के अंदर कौन है, स्मॉल कैट्स है, तो स्मॉल कैट्स के जितने भी स्पीसीज फेलिस के अंदर होंगे उनके एक दूसरे से ज्यादा सिमिलरिटी है, पैंथेरा के अंदर जितने स्पीसीज है उनके एक दूसरे से ज्यादा सिमिलरिटीज है कंपेयर टू द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज ऑफ बिग कैट्स एंड स्मॉल कैट्स, बिग कैट्स और स्मॉल कैट्स के एक दूसरे के साथ कम सिमिलरिटीज है, एवढं सरळ आहे। म्हणजे वेगवेगळे जेनेराचे मेंबर एक दुसऱ्यांशी तेवढे मॅच नाही करत जेवढे एकाच जेनेराचे करत असतात ओके। देन वी कॅन से दॅट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप मतलब जेनेरा है। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल, ये तीनों के तीनों सोलेनम में आते हैं, या फिर लायन, लेपर्ड एंड टाइगर जिनके नाम पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस और पैंथेरा टाइग्रिस है, वो भी पैंथेरा नाम के कॉमन जीनस में आते हैं। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस, फेलिस में कौन आते हैं, कैट्स आते हैं। उसके बाद आगे कौन है, जैसे जे जे शब्द कळत नाही ते लक्ष सांगा रे। द नेक्स्ट कैटेगरी इज, अगला कैटेगरी कौन है, फैमिली है, नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली ओके, फैमिली। तो फैमिली में कौन आएंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, उसमें नंबर ऑफ सिमिलरिटीज और कम होंगे कंपेयर टू द जीनस, और ये सिंपल है, हर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे किंगडम की तरफ सिमिलरिटीज कम होते जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे। फैमिलीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, याद रखना ये पॉइंट, क्वेश्चन बनता है इस पर। तो इसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स कंसिडर किए जाते हैं। अमंग द प्लांट्स थ्री डिफरेंट जेनेरा यानी के सोलेनम, पेटूनिया एंड धतुरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनसी। एनिमल का अगर एग्जांपल लिया जाए तो पैंथेरा जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड जैसे बिग कैट्स आते हैं और फेलिस जिसमें फेलिडी सॉरी जिसमें स्मॉल कैट्स आते हैं वो फेलिडी नाम की फैमिली में क्लासिफाई किए गए हैं। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग, आपको उसमें भी कुछ सिमिलरिटीज दिखेंगे लेकिन उतने नहीं कि उन्हें फैमिली में एक ग्रुप में लाया जा सके, लेकिन डेफिनेटली वो ऑर्डर में एक साथ आ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पेज टर्न करो ओके। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स उनमें सिमिलर होते हैं लेकिन ऑर्डर में उतने सिमिलरिटीज नहीं होते मेंबर्स में। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर कैटेगरीज मतलब ऑर्डर और ऑर्डर के ऊपर जो क्लास है, फाइलम है या किंगडम है, आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, एक पर्टिक्युलर ग्रुप चे कैरेक्टर सिमिलर असले की ते एकत्र येतात की त्यांना त्या ग्रुप कैटेगरी मध्ये टाकलं जातं, तिथे फार सिमिलरिटीज नसतात। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरीज
इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज के ग्रुप को ऑर्डर कहा जाता है, एंड एग्जिबिट फ्यू सिमिलैरिटीज, काफी कम सिमिलर कैरेक्टर्स उनमें दिखते हैं. द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द डिफरेंट जेनरा. जेनरा के और फैमिली के कंपेरेटिवली ऑर्डर में सिमिलैरिटीज कम होते हैं, ये मैं पहले से बोल रहा हूं. प्लांट फैमिलीज लाइक, याद कर लेना ये लाइन, कॉन्वोलुलासी और सोलेनसी, इनको एक ऑर्डर में रखा गया है जिसका नाम है पॉलीमोनियल्स. और क्यों रखा गया है? क्योंकि उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स जो थे वो फ्लोरल कैरेक्टर्स पर बेस्ड उनको वो सिमिलैरिटीज दिखाते हैं. तो इन फ्लोरल कैरेक्टर्स जो फ्लावरिंग से रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं उन पर बेस्ड सोलेनसी और कॉनोलुलसी को पॉलीमोनियल्स में रखा गया था. देन जो कार्निवोरा नाम के ऑर्डर है जिसमें फेलिडी यानी कैट्स की फैमिली जिसमें बिग कैट और स्मॉल कैट दोनों आते हैं और कैंसिडी जिसमें डॉग आते हैं, तो ये फेलिडी और कैंसिडी आते हैं कार्निवोरा में. क्लास दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड का ऑर्डर रिलेटेड विथ ऑर्डर सस्ती मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड एज क्लास. फॉर एग्जाम्पल प्राइमेटा जिसमें कौन आता है, मंकी गोरिला गिबॉन हिमाकड आणि याच्यात ह्यूमन पण येतात मतलब ह्यूमन बीइंग प्राइमेट्स है. सो फॉर एग्जाम्पल प्राइमेटा जिसमें मंकी गोरिला है गिबॉन है इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया. उसको कहां पर रखा गया है? मैमेलिया में रखा गया है अलोंग विद द ऑर्डर. कौन से ऑर्डर में? के साथ कार्निवोरा. मतलब साफ है कि कार्निवोरा और दूसरा क्या है प्राइमेटा. प्राइमेटा में बंदर और इंसान आते हैं, कार्निवोरा में कुत्ते और बिल्लियां आते हैं. इनके ग्रुप को उन्होंने क्लासिफाई किया है मैमेलिया में, मैमल्स के ग्रुप में उनको उन्होंने क्लासिफाई किया है. देन मैमेलिया में बाकी ऑर्डर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि दो ही ऑर्डर्स है, इनके अलावा भी ऑर्डर्स होते हैं. आगे बढ़ते फाइलम और किंगडम. ग्रुप ऑफ देखो comprising the animals like fishes, amphibian, reptiles, birds, along with the mammals. ते सगळे क्लास आहेत, fish, amphibian, reptile, birds आणि mammals. हे सगळ्या क्लासचा मिळून ऑर्डर बनतो, कॅटेगरी बनते, सॉरी वरचा क्लास बनतो, ऑर्डर नाही क्लास बनतो, वरचा टॅक्झॉन बनतो नॉट क्लास. हे सगळे क्लास मिळून वरचा टॅक्झॉन बनतो, त्याला म्हटलं जातं फायलम. आणि हे सगळे म्हणजे फिश एम्फीबियन रेप्टाइल्स यांच्या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस मध्ये असं छोटंसं नोटोकॉर्ड नावाचं एक स्ट्रक्चर बनतो, त्याच्याविषयी आपण बोलू पुढे किंगडम एनिमिलियाच्या वेळेला. तर तो नोटोकॉर्ड यांच्या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस मध्ये बनतो म्हणून हे येतात फायलम कॉर्डेटा मध्ये. प्लांट्स मध्ये असे क्लास मिळून काय बनतं रे? तिथं बनतं डिव्हिजन, तिथं बनतं डिव्हिजन. त्यानंतर शेवटी फायलम मिळून बनतो किंगडम एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया आणि डिव्हिजन मिळून बनतो किंगडम प्लांटी. मतलब ग्रुप ऑफ फायलम इज अ किंगडम एनिमिलिया अँड ग्रुप ऑफ डिव्हिजन इज किंगडम प्लांटी. ओके, इथपर्यंत काय अडचण? आता इथं खाली काय सांगितलेलं आहे याच्यामध्ये की असं नाही की एवढे आपण ज्या कॅटेगरीज पाहिल्यात तेवढ्याच कॅटेगरीज आहेत. किंगडमच्या वरती डोमेन असतं, स्पेसिस मध्ये सब स्पेसिस असतात, फॅमिलीज मध्ये सब फॅमिलीज असतात, पण ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचं नाहीये. आणि आज आपण शेवटचा 2 मिनिटाचा एक टेबल बघणार आहोत, तो टेबल झाला की संपलाय. ओके, तो टेबल हा आहे जो तुम्हाला पाठ करून घ्यायचा आहे. हा टेबल बघा, 4 ऑर्गॅनिझम्स दिलेले आहेत एनसीईआरटी मध्ये, 2 ॲनिमल्स आणि 2 प्लांट्स. आणि हे जे 4 ऑर्गॅनिझम्स आहेत यांना त्यांचं सगळं तुम्हाला क्लासिफिकेशन पाठ करायचं आहे. काय दिलंय या टेबलमध्ये? तर इथं पहिले कॉमन नाव दिलंय त्याचं, कॉमन नावानंतर बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फॅमिली, ऑर्डर, क्लास आणि फायलम पर्यंत, म्हणजे जे आपण सिक्वेन्स पाहिला त्या सिक्वेन्स मध्ये यांना ऍग्रिगेट म्हणजे ग्रुप, गुच्छ किंवा ग्रुप. सो ऍग्रिगेशन म्हणजे एक ग्रुप पर्टिक्युलर कॅरेक्टर्सचा. तर तिथं फार कॅरेक्टर सारखे नसतात, एखाद्या पर्टिक्युलर कॅरेक्टर्सचा ग्रुप मध्ये सिमिलॅरिटी झाल्या, जसं की फ्लोरल कॅरेक्टर्स मध्ये सिमिलॅरिटी आल्या म्हणून ऑर्डर बनवला गेला होता, फार जास्त सिमिलॅरिटीज नसतात. ओके, तो चलो पहला जो है वो इंसानों का क्लासिफिकेशन है. माणसाविषयी पहिलं तर तुम्हाला हे माहित पाहिजे की आपलं म्हणजे ह्युमन बीइंग जो है वो उनमें हमारा साइंटिफिक नाम क्या है? होमो सेपियंस. ओके, अब होमो सेपियंस जब पता कर लेते हो आप या आपको जब पता होता है तो उसमें जीनस आ गया है. क्या है जीनस? उसमें होमो इज द जीनस. ओके, मैंने कहा था कि फैमिली के नाम के आगे ए लगता है सफिक्स में, तो ये सारे नाम पढ़ लो, इसमें ए है,
होमिनाइडी, मसाइडी, एनाकार्डियासी, पोएसी, देन अब ये बाकी सब कुछ हम जो है यहां पढ़ने की जगह हम इसे बोर्ड पर बना लेते हैं। ओके, हम इसे बोर्ड पर बना लेते हैं, एक-एक जाई, कारण हे तुम्हाला एकदम पाठ करायला थोडंसं किचकट होईल। तर आपल्याला चार ऑर्गॅनिझमचा टेबल बनवायचा आहे। कुठले चार ऑर्गॅनिझम्स आहेत? पहिला आहे ह्यूमन, पहिला काय आहे? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, दुसरा ऍनिमल कोण आहे? हाऊस फ्लाय। तिसरा ऍनिमल आहे मँगो, सॉरी ऑर्गॅनिझम आहे मँगो प्लांट, आणि चौथा आहे व्हीट। चौथं काय आहे? व्हीट। ह्युमन बीइंगचं सायंटिफिक नाव काय आहे? तर होमो सॅपियन्स। काय नाव आहे? होमो सॅपियन्स। मग याच्यामध्ये नेम ऑफ जीनस विचारलं तर काय लिहाल? होमो। ओके, फॅमिली जर विचारलं तर होमिनायडी। होमिनायडी लक्षात ठेवा, फॅमिली संस्थेच्या शेवटी ए लागतं। आ ऑर्डर मी सांगितलं होतं एनसीईआरटी मध्ये दिलंय, मंकी, एप, गोरिला, चिंपांजी, पण तिथं त्या सगळ्यांची ऑर्डर प्रायमेट आहे असं नव्हतं दिलं। ऑर्डर प्रायमेट आहे असं दिलं होतं का? नाही, सॉरी, तिथं त्यांची ऑर्डर दिलं होतं, त्या ऑर्डर मध्ये ह्युमन आहे असं नव्हतं दिलेलं। म्हणजे आपण जिथं बघितलं की कार्निओरा आणि प्रायमॅटा हे एकाच ऑर्डर मध्ये येतात, आणि त्या ऑर्डरचं नाव आहे मॅमॅली, सॉरी क्लासचं नाव आहे कार्निओरा आणि प्रायमॅटा, ह्या ऑर्डर एकाच क्लास मध्ये येतात, तो क्लास जो आहे तो आहे मॅमॅलिया। पॉइंट असा आहे की तिथं डिस्क्रिप्शन मध्ये ते बोललेले आहेत की प्रायमेटामध्ये एप, मंकी, गोरिला येतात, पण तिथे ह्युमन बीइंग पण येतात। तर माणसाची ऑर्डर काय रे? प्रायमेटा। ओके, प्रायमेटा। और क्लास वहीं पर क्लियर हो गया कि प्राइमेट्स किस में आते हैं? मैमेलिया में आते हैं। और सारे मैमल्स क्या है? कॉर्डेट्स। तो इसलिए फाइलम क्या हो जाएगा? कॉर्डेटा। फाइलम क्या हो जाएगा? कॉर्डेटा। सो फाइलम इज कॉर्डेटा, कारण या आपल्या आपल्या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस मध्ये पण नोटोकॉर्ड बनत असतो। तर बघा, ह्युमन बीइंग नाव काय? होमो सॅपियन्स। नाव काय? होमो सॅपियन्स। त्याच्यानंतर जीनस होमो, फॅमिली होमिनायडी, ऑर्डर प्रायमॅटा, मॅमॅलिया, आणि जो फायलम आहे तो कॉर्डेटा आहे। दुसरा पॉइंट, हाऊस फ्लाय। आपल्या घरात ज्या उडणाऱ्या हाऊस फ्लाईज असतात त्यांचं नाव काय आहे? तर सायंटिफिक नाव आहे मस्का, इज अ जीनस, आणि स्पेसिफिक एपिथेट डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। देन याच्यामध्ये मग जीनसचं नाव सांगा म्हटलं तर मस्का। फॅमिली मसायडी। मसायडी इज अ फॅमिली, ए लागलंय। ओके, आता याचे पुढचे कसं लक्षात ठेवायचं? ओके, तर लक्षात ठेवा दिया शब्द, लक्षात ठेवायचा दिया। दिया, दिया चे फुल फॉर्म काय? तर दिया मध्ये डी इज फॉर डिप्टेरा। त्याच्या विंग्सच्या कॅरेक्टर वरनं त्याचा ऑर्डर जो आहे तो डिप्टेरा ठेवला गेलेला आहे। डिप्टेरा त्याचा ऑर्डर आहे। त्याचा क्लास इन्सेक्टा आहे, कारण यांच्यामध्ये पण इन्सेक्ट कोणाला म्हटलं जातं? ज्यांच्यामध्ये तीन पेयर्स ऑफ लेग्स असतात, म्हणजे सहा लेग्स असतात, जॉइंटेड लेग्स असतात, तर त्यांना इन्सेक्टा म्हटलं जातं। आणि यांच्या बॉडीवर एक्झोस्केलेटन आहे किंवा जॉइंटेड अपेंडेजेस आहे, म्हणून ते ऑर्थ्रोपोडा मध्ये येतात। ऑर्थ्रोपोडा त्याचा काय झाला? फायलम झाला। म्हणजे मस्का डोमेस्टिका, त्याच्यामध्ये मस्का हा काय झाला? जीनस। मसायडी फॅमिली, त्याच्या पुढे दिया लक्षात ठेवायचं। डिप्टेरा, इन्सेक्टा आणि ऑर्थ्रोपोडा, दिया लक्षात ठेवा असं का म्हणतोय मी? कारण तुम्ही हे पाठ करता की डिप्टेरा, इन्सेक्टा, ऑर्थ्रोपोडा आहे, पण तुमच्या ना त्याचे कॅटेगरी सेपरेट होतात। म्हणजे तुम्हाला डिप्टेरा क्लास मध्ये वाटायला लागतो, इन्सेक्टा ऑर्डर मध्ये वाटायला लागतो। तर इथे लक्षात ठेवा, डिप्टेरा इज अ ऑर्डर, इन्सेक्टा इज अ क्लास, आणि ऑर्थ्रोपोडा इज अ फायलम, कारण ऍनिमल्स मध्ये। हे झाले दोन ऍनिमल्स। ओके, देन मँगो, तिथे दिया लिहून घ्या रे। मँगो तुम्ही पाठ करत आलेला आहे, मँगी फेरा, इंडिका, जीनस सांगा बरं, मँगी फेरा। त्याच्यानंतर फॅमिलीच्या शेवटी काय लागतं? ई लागतं, तर ही फॅमिली तुम्हाला पाठ करावा लागेल, ॲनाकार्डियासी। ॲनाकार्डियासी नावाची फॅमिली आंब्याची। त्याच्यानंतर ऑर्डर जो आहे तो सॅपिनडेल्स आहे, सॅपिनडेल्स। ओके, ऑर्डर इज सॅपिनडेल्स। त्याच्यानंतर क्लास डायकॉटिलिडॉनी। डायकॉटिलिडॉनी
आणि हे फ्लावरिंग प्लांट्स आहेत, आंब्याला फुलं येतात म्हणून एंजियोस्पर्मी त्याचं डिव्हिजन आहे. त्याचं डिव्हिजन काय असेल? एंजियोस्पर्मी. सो दिस इज इट ऑल अबाउट द मँगो. लक्षात ठेवा डायकॉट्स, कारण त्याच्या सीड मध्ये दोन कॉटिलिडॉन असतात. डायकॉट्स आणि मोनोकॉट्स काय ते मॉर्फॉलॉजी मध्ये कळेल. दोन कॉटिलिडॉन असेल, दोन कंपार्टमेंट असतील फूड स्टोअर करण्यासाठी सीड मध्ये, तर डायकॉट सीड. एकच कंपार्टमेंट असेल रिझर्व्ह फूड ठेवण्यासाठी, तर मोनोकॉट सीड. जसं की व्हीट, आता गहू जे आहे, गव्हाच्या सीड मध्ये एक कंपार्टमेंट असतं म्हणून गहू मोनोकॉट्स मध्ये येतात. आंबा जो आहे तो डायकॉट मध्ये येतो. मग आता पुढचा आहे व्हीट, गहू. गव्हाचं नाव काय? ट्रायटिकम हा त्याचा जीनस झाला, आणि ऍस्टिवम. ट्रायटिकम ऍस्टिवम ट्रायटिकम ऍस्टिवम स्मॉल ए ट्रायटिकम ऍस्टिवम हे त्याचं नाव आहे. आता आपण उलट जाऊ. उलट का जाऊ? कारण दोन गोष्टी इथं कॉमन आहे. गव्हामध्ये आणि आंब्यामध्ये कॉमन काय? तर त्यांचं डिव्हिजन कॉमन आहे, दोन्ही फ्लावरिंग आहेत म्हणून एंजियोस्पर्मीमध्ये येतात. त्यानंतर जसं हा याचा क्लास हा डायकॉटिलिडॉनी आहे आंब्याचा, कारण त्याच्या सीड मध्ये दोन कंपार्टमेंट असतात फूड स्टोअर करण्यासाठी. सीड मध्ये दोन कंपार्टमेंट असतील फूड स्टोअर करण्यासाठी, रिझर्व फूड ठेवण्यासाठी, तर डायकॉटिलिडॉनी. गव्हामध्ये एकच कंपार्टमेंट असतं म्हणून गहू मोनोकॉटिलिडॉनी मध्ये येतात. व्हीट जे आहे ते मोनोकॉट्स एक्झाम्पल आहे. ओके, त्यानंतर आता परत इकडे ते शेवटचे दोन तर झाले, त्याचा काय डिव्हिजन आणि क्लास झालेत. आता ट्रायटिकम ऍस्टिवम, मग त्याचं जीनसचं नाव काय असेल? ट्रायटिकम. देन आता उरलेल्या दोन गोष्टी काय? त्या फॅमिली आणि ऑर्डर. ओके, लक्षात ठेवा गव्हापासून पोळ्या बनतात म्हणून गव्हाच्या त्या दोन्ही याच्यामध्ये पोळ्यांशी रिलेटेड आहे. जसं की गव्हापासून पोळ्या बनतात म्हणून पोएसी, पोएसी कोणतरी म्हटलं सर मला हिंदीच कळतं बेटा. रोटियों को मराठी में पोळी बोलते है. ओके, सो व्हीट से हम रोटिया बनाते इसलिए पोएसी, पोळे पोळ्यांवरनं पोएसी. आणि त्याची जी ऑर्डर आहे ती पण पोएल्स. त्याची जी ऑर्डर आहे, हे ट्रिक्स लक्षात ठेवा, या फार सिंपल आहे पण कामाला येतात त्यानंतर. सो ऑर्डर जी आहे ती काय आहे? पोएल्स. आणि फॅमिली काय आहे? पोएसी. ओके, तर आता ब्रीफली इथं परत एक वेळेला पाठ करून घ्या. दोन ऍनिमल आणि दोन प्लांट लक्षात ठेवायचे. ऍनिमल मध्ये ह्युमन बिंग आणि हाऊस फ्लाय. ह्युमन बिंग होमोसॅपियन्स, जीनस होमो, फॅमिली ह्युमिनायडी, ऑर्डर प्रायमॅटा, क्लास मॅमॅलिया आणि फायलम कॉर्डाटा. हाऊस फ्लाय मध्ये मस्का डोमेस्टिका, मस्का मसाईडी. ओके, मस्का मसाईडी. त्याच्या पुढे दिया लक्षात ठेवायचं, डीआयए. डी फॉर डिप्तेरा, त्याच्या विंग्सच्या कॅरेक्टर वरनं. इन्सेक्टा आणि आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोड कोणाला म्हणतात? त्याच्या बॉडीवरती एक्झोस्केलेटन असतात ते. इन्सेक्टा का? ज्याच्यामध्ये सहा लेग्स असतात ते पण जॉइंटेड, ते कोण? आर्थ्रोपोडा. त्यानंतर मँगो, मँगीफेरा इंडिका. त्यामध्ये मँगीफेरा ही काय? त्याची स्पेसी सॉरी जीनस आहे. अनाकार्डियासी काय? फॅमिली आहे. सॅपिंडेल्स काय? ऑर्डर आहे. डायकॉटिलिडॉनी काय आहे? क्लास. त्याच्यामध्ये दोन कॉटिलिडॉन, दोन कंपार्टमेंट असतात सीड मध्ये. आणि एंजियोस्पर्मी, कारण ते फ्लावरिंग प्लांट्स आहेत, फुलं येतात त्यांच्यामध्ये. सर हिंदी मराठी एकदम परफेक्ट. यस, थँक्यू बेटा साहेब. सो व्हीट म्हणजे गहू, ट्रायटिकम ऍस्टिवम पूरा नाम आहे उसका, ट्रायटिकम जीनस हो गया. व्हीट से हम रोटिया बनाते, रोटियों को मराठी में पोळ्या असं म्हटलं जातं म्हणून पोएसी, पोएसी आणि पोएल्स, पोएसी पोएल्स. एंजियोस्पर्मी, गव्हात पण फुलं येतात, फ्लावरिंग प्लांट आहे. आणि गव्हाच्या सीड मध्ये एकच कंपार्टमेंट असतं म्हणून काय रे ते? मोनोकॉटिलिडॉनी. इथपर्यंत काहीही डाऊट असेल तर पोस्ट करा, उद्या टॉपिक संपत आलाय दुसरा पण. बाजीराव की रफ्तार ही उसकी पहचान है. 6 महिन्यात सिलेबस कंप्लीट करायचा म्हणजे ऍव्हरेज काय? ऍव्हरेज एका महिन्यात 6 ते 7 टॉपिक संपवायचे आहेत. ओके, एका महिन्यामध्ये 6 ते 7 टॉपिक संपवावे लागणार आहेत जर 6 महिन्यात सिलेबस कंप्लीट करायचा असेल तर. त्याच्यामुळे आपल्याला, ठीक आहे समजा देता हो बेटा, आपल्याला एका महिन्यात मी शेड्यूल दिलेला आहे, जे नवीन आले होते त्यांच्यासाठी परत एक वेळेला टाकतोय शेड्यूल. लक्षात ठेवा एका महिन्यात 6-7 टॉपिक संपवायचे असतील तर रफ्तार का जुनून होना चाहिए. और कल ये टॉपिक शेड्यूल के हिसाब से खत्म हो रहा है, 4 लेक्चर हमने दिए थे तो ये कल खत्म हो जाएगा. ओके, कंप्लीट हो जाएगा, याद रखना. फक्त डाउट डाउट नाही ठेवायचे, म्हणजे आपण काही पळवत नाहीये, आपण फक्त लेक्चरचं ड्युरेशन थोडं जास्त ठेवतोय. इथपर्यंत काही डाउट्स असेल तर पोस्ट करा. हा जोश कैसा है? हाउ इज द जोश गाइज? हाय है या लो है?
जीनस मतलब क्या है? जीनस मतलब रिलेटेड स्पेसीज के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज इज जीनस। जैसे कि मान लो पैंथेरा एक जीनस है जिसमें रिलेटेड स्पेसीज टाइगर भी है, लायन भी है और पार्डस भी। आप लोगों का एग्जैक्ट डाउट क्या है बेटा? मतलब दो लोगों ने साबिर, साबिर नहीं साहिल, साहिल और किसने कहा था? साबिर नहीं, साहिल और कोई एक था जिसने कहा था कि सर जीनस फिर से बताओ, तो क्या पढ़ना है जीनस में? पटापट पटापट जे टॉपिक लक्षात ठेवा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चे जे टॉपिक तुमच्या अगोदर झालेले ते पण कव्हर करत चला, ओके? आणि हे लेक्चर अटेंड करताना या ऍटिट्यूड मध्ये बसायचं की 1.5-2 तास जे बसू आपण त्या अभ्यासासहित बसू। म्हणजे आता हे झालंय तुमचं, व्हायला पाहिजे। फक्त आता हा टेबल आहे जो एकवेळ तुम्हाला बघावा लागेल, पण त्याच्या आधीचं जे डिस्क्रिप्शन आहे की मी समजून सांगतोय, मग मीच एनसीईआरटी वर येतोय, म्हणजे मीच तिथं वाचतोय अगोदर एक्सप्लेन करून, तर मग तुम्ही एक्सप्लेनेशनच्या वेळेला पूर्ण कॉन्सेप्ट व्यवस्थित लक्षात ठेवायला पाहिजे। एनसीईआरटी कव्हर होताना तुमचंही हे व्हायला पाहिजे, काय तुमचंही तिथं एनसीईआरटी रिडिंग कम्प्लीट व्हायला पाहिजे। जस्ट अ मोमेंट, जीनस के 2 लाइन में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो देख भाई अजून बघा रे काय काय कन्फ्युजन आहे, बाकीचे पण बघा तुमचे काय डाउट्स असतील तर। बघा, जीनस कंप्राइजेस द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, स्पेसीज के ग्रुप को जीनस कहा जाता है, एंड विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पेसीज ऑफ दो जेनरा। शायद इसी लाइन में तुझे कन्फ्यूजन होगा, इसका मतलब ये है, या फिर बोल दे कि कौन से लाइन में, कि जो सेम जीनस के मेंबर होते हैं या सेम एक जीनस के अंडर जो स्पेसीज आते हैं, जैसे कि मान ले पैंथेरा के अंदर, पैंथेरा के अंदर 3 स्पेसीज है, कौन? टाइगर, लायन और लेपर्ड। ओके, टाइगर, लायन, लेपर्ड, और मतलब कि बिग कैट्स है सारे के सारे, बड़े बड़ी बिल्लियां हैं, बिग कैट्स है। और दूसरा जीनस कौन है? तो दूसरा है फेलिस, जिसमें स्मॉल कैट्स है। इसमें स्मॉल कैट्स की स्पेसीज होंगे, तो स्मॉल कैट्स दूसरे स्मॉल कैट की स्पेसीज से ज्यादा सिमिलैरिटीज रखते हैं, क्योंकि वो एक जीनस के मेंबर है, देन विद द बिग कैट्स, क्योंकि वो दूसरे जीनस के मेंबर है। मतलब एक जीनस के अंडर जितने स्पेसीज है वो एक दूसरे से ज्यादा सिमिलैरिटी शेयर करते हैं देन द मेंबर्स ऑफ अदर जीनस, ऐसा उसका मतलब है। मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए था। तो एक पैराग्राफ तुम्हें नंतर सांगणार होते, कोणता रे? हाँ, पहिला। आता त्या पैराग्राफ मध्ये काहीच उरलेलं नसणार, मी जे म्हणत होतो तुम्हाला अंडरस्टँडिंग साठी थोडंसं ते हेवी वाटतं। ये वो पैराग्राफ था, देखो इस पैराग्राफ को अब अगर पढ़ते हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। तो आपको पता चल गया आप स्पेसिस से लेके किंगडम तक कितने स्टेप्स हैं, तो इट इज अ हायरार्की, मतलब वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है किंगडम से लेके स्पेसिस तक का, ऐसा पूरा वो सीक्वेंस है, और हर स्टेप को एक रैंक होता है, कैटेगरी होती है। मतलब किंगडम का रैंक ऊपर है, स्पेसिस का नीचे है, ऑर्डर का किंगडम के नीचे है, उससे नीचे फैमिली और जीनस होते हैं। तो हर कैटेगरी का, हर उस टैक्सोन का एक रैंक होता है, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इसलिए वो उस कैटेगरी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है। सारे कैटेगरीज मतलब स्पेसिस से लेके किंगडम तक उनको एक साथ कहा जाता है क्या? टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, एंड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोन। ओके, तो चलो भाई, थैंक यू मयूर, टाटा, पेपर के लिए रेडी रहो। और कुछ लोगों को ये एएम पीएम समझ में नहीं आता है क्या, वो मुझे आज पूछ रहे सर पेपर दिख नहीं रहा है। पेपर का टाइमिंग 9 बजे से 1 PM तक, मतलब हर दिन का पेपर उसी दिन रात को वो एंड हो जाएगा, क्योंकि आपको उसी दिन वो कंप्लीट करना है। जिनको पेपर में दिक्कतें आती है उन्होंने उसी वक्त एनसीईआरटी खोल के, मतलब पेपर सॉल्व होने के बाद जो पॉइंट्स आपको नहीं याद आए उसी वक्त उसको क्लियर कर लेना है, कल पर पेंडिंग नहीं रखना है। तो हर दिन का पेपर उसी दिन कंप्लीट कर लिया करो। बेटा जहीर, अभी मैं टेस्ट बनाऊंगा ये लेक्चर खत्म होने के बाद, इसलिए 9 PM इसलिए रखा गया है कि मुझे टाइम मिले थोड़ा सा बीच में। ओके, यस, चलो, बाय 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 बाय।